अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बासित एंड गौस आप लोग कंफर्म कर दें, रिजवान, माजिद, असद काइंडली कंफर्म करें इफ द वॉइस इज क्लियर और नॉट। क्लियर है वॉइस? ओके जी, हमें कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया बासित, आप ये कंफर्म कर सकें अगर। अच्छा जी, पहले तो वेलकम टू द सिक्स्थ क्लास ऑफ पेबल मोबाइल हैबिट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जिस तरह आप जानते हैं कि अभी तक हमने पिछले 5 क्लासेस में हमने HTML कंप्लीट कर लिया, हम CSS में अभी ऑलरेडी हैं, हमने फायरबेस होस्टिंग सीख ली है। सो थोड़ा सा हमारा पेस कंपैरेटिवली जिस तरह कोर्सेज कराए जाते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट ही जा रहे हैं, बट दैट इज़ अ गुड साइन। हम ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ को मिस कर रहे हैं या हम किसी चीज़ को स्किप कर रहे हैं। वी आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग इवन इन डिटेल, ताकि आपको समझ में आ सके और आप उसके थ्रू आसानी से सीख के उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर सकें। आज के दिन कुछ चीज़ों के हवाले से आपको बताना है, कुछ चीज़ों के हवाले से आपको समझाना है, और कुछ इश्यूज जो आपको फेस हो रहे हैं। तकरीबन मेरे पास अभी 2,500 के करीब स्टूडेंट्स हैं कि जिनका जो है वो सबमिट हो चुका है असाइनमेंट, बट स्टिल देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो कि अभी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अच्छा, 2,500 के करीब स्टूडेंट्स का हुआ है, दैट मीन्स मैंने बाकायदा वो चेक किए हैं और चेक करवाए हैं, उनमें प्रॉपर जो है ना मौजूद है, जो लिंक्स हैं उनमें असाइनमेंट मौजूद है। अच्छा, जाहिर बात है 2,500 के 2,500 मैंने चेक नहीं किए, बट रैंडमली जो भी मैंने तकरीबन 100-150 के करीब देखने का मौका मिला, उसमें तमाम में असाइनमेंट्स थे। सो दैट मीन्स कि 2,500 बच्चों ने फायरबेस होस्टिंग कर दी, ना सिर्फ की बल्कि उसको सबमिट भी करवा दिया, एंड दिस इज अ गुड साइन। बट स्टिल देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स लेफ्ट के जो अभी भी करवाना उनका रहता है। सो वी हैव डिसाइडेड दिस थिंग के आप इस असाइनमेंट की सबमिशन की डेट कल रात को 11:59 तक मजीद एक्सटेंड कर दी जाए। मेरी रिक्वेस्ट है गर्ल्स के लिए, मैं ऑलरेडी एक चीज कर चुका हूँ जो कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, मैं बॉयज के लिए भी कोशिश करके आज नहीं तो कल सुबह या कल दोपहर तक मैक्सिमम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स होंगे और उसमें इंशाल्लाह वर्ल्ड क्लास डेवलपर्स होंगे जो कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए एवरी टाइम मौजूद होंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर अबाउट टू डू। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो असाइनमेंट मुझे फ्राइडे के दिन चाहिए था उसको मैंने एक्सटेंड करके सैटरडे किया, अब मैं मजीद एक्सटेंड करके आपको संडे की रात तक का टाइम दे रहा हूं, यानी इस क्लास के बाद भी आपके पास कमोबेश 24 आवर्स होंगे सो दैट यू पीपल कैन सबमिट द असाइनमेंट। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, फिर ये वो लोग ये नहीं सोचेगा कि सर मैंने तो पूरे दिन, मेरे पास दिन में करने को 10 काम थे, अम्मी ने जब बोला कि झाड़ू लगा दो तो मैंने बोला अम्मी को नहीं, मैं नहीं लगा सकती या लगा सकता, और मैं बैठ के मुझे असाइनमेंट करना है बिकॉज मेरा डेडलाइन 8 बजे तक है। फिर किसी अम्मी ने बोला कि बेटा दही लेके आ जाओ, तो आपने अम्मी को बोल दिया अम्मी आज बगैर दही के हम सालन खाएंगे क्योंकि मुझे असाइनमेंट बनाना और सबमिट करवाना है। तो वो ये ना सोचे सर हमने तो इतना प्रेशर में काम किया, अब आप मौका दे रहे हैं तो ये तो गलत बात है, आप पहले ही अनाउंस करते हैं, तो ये चीज ना सोचे आप। देखिए, जितना डेडलाइन जो होती है ना, डेडलाइन आपको मजबूर करती है काम करने के लिए। फायरबेस होस्टिंग क्योंकि टिपिकल चीज थी, इस वजह से हम आपको टाइम दे रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं ताकि आप इसको कर सकें। कल रात के 12 बजे के बाद नो मौका, नो टाइम। सो प्लीज डू इट एंड मस्ट सबमिट टू अस, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू के 4 असाइनमेंट जो सबमिट कराएगा मैं चारों असाइनमेंट चेक करूंगा, जो 4 असाइनमेंट सबमिट कराएगा उसी को मैं सिस्को इंटरनेशनल लिनक्स सर्टिफिकेशन में एनरोल करूंगा, जो कि बहुत हाईली कॉस्ट सर्टिफिकेशन है और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होगी। प्लीज मेक श्योर, प्लीज मेक श्योर, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसको प्रॉपरली समझें, देखें और उसके मुताबिक काम कर सकें।
अच्छा फिर मैंने आप लोगों को, हमारे साथ कितने लोग अभी इंगेज हैं आप? 1.5। ओके सो देयर इज वन मोर थिंग, रमजान इज अबाउट टू स्टार्ट। पहले तो आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा, गौस और बासित की अभी तक शादी नहीं हुई है, तो आप लोग उनके लिए दुआ करें कि आमीन। उनकी शादी हो जाए। अच्छा बाकी द थिंग इज के ओके द थिंग इज के रमजान क्योंकि अबाउट टू स्टार्ट है, तो आप लोग डेफिनेटली इंसान बींग अ मुस्लिम, अच्छा मेजोरिटी मुस्लिम हैं बट हमारे पास वो लोग भी हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, हम तमाम लोगों की इज्जत करते हैं और तमाम लोगों को हम साथ लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि आप किस कौमियत से बिलोंग करते हैं। आप तमाम लोग पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ कुछ इंगेज जर्मनी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, कुछ एक आध जर्मनी से भी हैं, सऊदी अरेबिया से भी हैं और बांग्लादेश से भी है। सो द थिंग इज के हम तमाम लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को एट द एंड ऑफ द कोर्स इंशाल्लाह हम सिस्को की सर्टिफिकेशन भी देंगे, इसके साथ साथ हम आपको जो है सैलानी की भी सर्टिफिकेशन देंगे, और साथ ही साथ हम आपको कोशिश करेंगे, इसका वादा नहीं है बट गवर्नमेंट का एक इदारा है स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, हम कोशिश करके उसकी भी सर्टिफिकेशन आपको करवाएंगे। तो अच्छा ये सारी सर्टिफिकेशन इज अ पीस ऑफ पेपर, लेट मी बी वेरी क्लियर, बट क्योंकि बींग अ पाकिस्तानी हम उस पीस ऑफ पेपर को हाथ में रखते हुए खुशी महसूस करते हैं, तो वो खुशी हम आपको देंगे, बट एक्चुअल खुशी तब होगी जब आप में स्किल सेट आ जाएंगे और आप उसके थ्रू डॉलर्स कमा सकेंगे और इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी, फैमिली और इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को चेंज कर सकेंगे, तो ये ज्यादा खुशी की बात है। टाइमिंग रिलेटेड टू रमजान, अच्छा रमजान में हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? रमजान में हम ये करने के लिए जा रहे हैं कि रमजान में हम आप लोगों की जो टाइमिंग्स हैं वो संडे को 3 to 5 2 घंटे की क्लास होगी। अच्छा मैंने ये इनिशियली ये सोचा था कि क्लास रमजान में 2 to 5 हो, फिर ये चीज भी ध्यान में आई कि तकरीबन 1:30 बजे के करीब नमाज होती है, जोहर वगैरह, फिर कुछ लोग कुरान वगैरह भी पढ़ते हैं और इस किस्म के भी मामलात होते हैं, इबादत आप लोगों की ये डेफिनेटली आप लोग करते होंगे, हम लोग भी इस चीज में इंगेज होंगे, तो फिर हमने अब इसको 3 to 5 कर दिया है टाइमिंग। तो 3 to 5 रखने का मकसद ये है कि 5 बजे अगर आप फ्री होते हैं क्लास से, जो क्लास की गर्ल्स हैं आप लोग समोसे भी बना सकें, पकौड़े भी बना सकें और मुझे गौस और बासित को भी खिला सकें, और जो बॉयज हैं डेफिनेटली लड़के, सिर्फ लड़के खाना नहीं बनाती, लड़के भी खाना बनाते हैं, अफ्तार पार्टी कर सकते हैं सर। आप लोग हमारे लिए इफ्तार पार्टी कर सकते हैं बट हम जाएंगे कैसे? नहीं, हम घर पे रहेंगे, स्टे सेफ स्टे होम, वो अलग बात है कि हम सैलानी आप लोगों के लिए आते हैं, खैर हम तो डेली आते हैं क्योंकि सैलानी में इसके अलावा भी और बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो कि हो रही है जिसमें हम इंगेज होते हैं और हम फख्र महसूस करते हैं ऐसे काम को करते हुए कि जब लोगों के पास, गरीबों के पास खाना नहीं है, डेली वेजर्स है जो है उनके पास वो मसले मसाइल है, आप लोगों का अंदाजा है अगर आप लोगों के घर में खाना है, आप लोग बा आसानी सुकून के साथ बैठ के अपनी जिंदगी इस बुरे वक्त में, इस मुश्किल टाइम में गुजार रहे हैं, आप लोग खुशकिस्मत लोग हैं, यकीन करें हम जाते हैं, हम जानते हैं, हम उन लोगों को देखा हुआ है, मैंने भी देखा हुआ है, मैं एक दफा गया था, ज्यादा नहीं गया क्योंकि कुछ एक्टिविटीज के हवाले से मैं खुद भी इंगेज हूँ, तो मैंने देखा लोगों को कि यार थिंग्स आर नॉट फाइन। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है यू पीपल, मतलब आप लोग कराची से बेशतर लोग कनेक्टेड है, कुछ टंडोरिया खान से, कुछ सखर से, कुछ कहाँ से, कुछ कहाँ से, पंजाब से, सरगोधा से है, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से है, रावलपिंडी से है, लोधरा से है, सो ऑन, पिशावर से है, आप लोग गिलगित बल्तिस्तान से हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग भी कोशिश करें कि यार एटलीस्ट ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने पड़ोसी के घर पे देखें कि यार कहीं उनको तो जरूरत नहीं है, उनकी हम जरूरत पूरी कर सकें, कोशिश करें ये काम करें, इससे देखें आपके पैसों में यकीनन कमी वक्तिया तौर पे आएगी बट अल्लाह ताला किसी का एहसान रखता नहीं है, अल्लाह खुद कहता है कि हुकुकुल अल्लाह से पहले हुकुकुल इबाद है, जब आप अल्लाह के बंदे की कदर करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे, तो उससे डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ के आता है रिटर्न में,
तो अच्छा, इस जहनियत, इस नीयत के साथ भी काम नहीं करें, काम करें दूसरों के काम आने के लिए, और इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। मैं जानता हूँ, मैंने देखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैं एंगेज हूँ, बहुत माशाल्लाह से अच्छे, मतलब अच्छी फैमिली से, जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, उस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। यकीनन आप करते होंगे, आप नहीं तो आपके पेरेंट्स करते होंगे, बट अपने तौर पे भी कोशिश करें, नियत करें, आगे बढ़ें, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आएगी, और लोगों की खिदमत करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम देंगे, थोड़ा सा अपना पैसा लगा देंगे, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अजान के बाद। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज के आपकी इस क्लास के साथ साथ अब से हम एक आप लोगों के लिए एक हेल्प डेस्क रखने के लिए जा रहे हैं। हेल्प डेस्क कैसे होगी, कहाँ होगी, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कमिंग वीक से तो नहीं, बट उसके नेक्स्ट वीक से जो है हेल्प डेस्क हम रखेंगे आप लोगों के लिए। अच्छा, हेल्प डेस्क डेफिनेटली ऑन साइट नहीं होगा, वो ऑनलाइन होगा। अच्छा, ऑनलाइन कैसे होगा, हम इसी तरीके से लाइव आएंगे और उसमें जो इश्यूज है आप लोगों के उसके हवाले से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, हेल्प डेस्क जिसके कोई इश्यू नहीं है उसको अटेंड करना जरूरी नहीं है, बट जिनके इश्यूज हैं उन इश्यूज को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द हेल्प डेस्क। सो बाय दिस वे, अच्छा जैसे इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम हेल्प डेस्क ऑन साइट भी करेंगे, जिसमें आप अपने लैपटॉप वगैरह लेकर आएंगे और आप लोग हमारे पास आएंगे, हम आपके इश्यूज को रिजॉल्व करवाएंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग, मीन वाइज जब तक ये इश्यू है, हम अपना ऑनलाइन हेल्प डेस्क करेंगे इंशाल्लाह ऑन एवरी वेनेसडे या थर्सडे, वो देख लेंगे, हम आपको बता देंगे। हेल्प डेस्क विल बी, क्या टाइमिंग होगी वो ग्रुप में इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा, बट हेल्प डेस्क स्टार्ट जो होगी वो स्टार्ट होगी बेसिकली आपकी रमजान में स्टार्ट होगी, मतलब इस वीक तो नहीं है हेल्प डेस्क, बट उसके नेक्स्ट वीक से जो है आपके पास हेल्प डेस्क शुरू हो जाएगी। सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू फॉर योर सेक। प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर कुछ काम नहीं हो रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, मेरे पास ऐसे कुछ मैसेजेस आए थे कि सर मुझसे फायरबेस होस्टिंग नहीं हो रही है और मैं ये कोर्स मुझे लगता है नहीं कर पाऊंगा और मैं छोड़ रहा हूँ, तो मैंने पर्सनली टीम व्यूअर पे गया, उसकी सारी हेल्प की, सारी चीज़ें की, इसी तरह गॉस भी कर रहे हैं, बासित भी कर रहे हैं,
मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितने स्टूडेंट्स आप लोग इंगेज हैं ना, आप लोग बरकरार रहें, हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि वजह ये है कि देखो, एक चीज़ स्टार्ट कर लिया है ना, और चीज़ें सीख भी ली है, कुछ चीज़ें समझ भी आ गई है, कुछ चीज़ों में मसला भी हो रहा है। मसला हो रहा है, हम मौजूद है आप लोगों के लिए। यकीन करें, कल रात को 4 बजे मुझे कॉल आई, सही है? उस कॉल में मुझे ये बोला, मुझे मतलब पहले एक दफ़ा कॉल आई, मैं सोया हुआ था, तो मैंने कॉल कट की, फिर दोबारा कॉल आई। तो मैंने जब कॉल उठाई, मैंने बोला जी, नींद में था मैंने बोला जी, तो मुझे उस स्टूडेंट ने बोला कि सर मेरा असाइनमेंट हो गया, मैं सबमिट कर दूं? तो मैंने बोला जी बेटा, कर दें आप। तो ये बताने का मकसद ये था कि हम हर तरीके के सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये सवाल ऐसा था जिसका मेरे ख्याल से, मेरे जगह कुछ और कोई और होता, बाज़िद गौस की बात नहीं कर रहा, तो कोई और होता तो शायद कहता तू रुक, वहीं पे रुक, मैं आ रहा हूं। बट हमने बोला हाँ बेटा, आप सबमिट करा दें और हम आपके साथ काइंड है और काइंड रहेंगे इंशाल्लाह। प्लीज कोशिश करें कि आप लोगों के पास गूगल सर्च है, ठीक है? उस गूगल सर्च के थ्रू आप सर्चिंग कोशिश करें किया करें। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप हमसे सवाल ना करें, आप करें, यकीन करें, इस खुशी का आपको अंदाजा नहीं है जब हम देखते हैं ना कि यार लोग कोशिश कर रहे हैं। कल जुम्मे का दिन था, यकीन करें जुम्मे का दिन था, जो लोग जानते हैं वो मानते होंगे इस बात को। जुम्मे के दिन ऑफ होती है हमारी, बेसिकली मेरी, बट कल पूरा दिन बैठ के मैंने लोगों के टीम व्यूअर पे घर पे बैठ के मसले हल किए हैं। क्योंकि ये जॉब समझ के हम काम नहीं कर रहे हैं, हम एक मकसद के तहत काम कर रहे हैं। शायद सैलानी एक प्लेटफॉर्म मिला है, सैलानी ने हमें कभी नहीं बोला कि ये काम करो, बट हमने आप लोगों के लिए किया, क्योंकि ये हम करना चाहते हैं। ये सिर्फ मेरी नीयत नहीं, ये पूरी टीम की नीयत है। मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे नादिया है, फायजा है, आयशा है, मरियम है, ये वर्ल्ड क्लास डेवलपर्स हैं। अच्छा, बॉयज़ में मैं जब ऐड करूंगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं उनके नाम भी लूंगा। तो ये लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रमशा है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। फिर मैंने ये भी देखा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पाकिस्तानी लोगों में जज्बा जो है ना वो बेहतरीन है। वो क्यों बेहतरीन है? क्योंकि आप लोग जब काम को जान जाते हो ना, आप कोशिश करते हो दूसरे की भी हेल्प करें। कमेंट्स आता है, मैंने देखा है कमेंट्स में बाकायदा आप सॉल्यूशन बताते हो, तो दिस इज ऑल्सो ग्रेट। तो हेल्प डेस्क के साथ साथ जो है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो गुड। इंशाल्लाह इसको बरकरार रखें। देखिए, एक चीज, एक रिक्वेस्ट, हिम्मत नहीं हारना। आगे चल के जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी, सारा लॉजिकल है, सारा लॉजिकल है, बट कोशिश बरकरार रखनी है। देखें, अगर आप कोशिश बरकरार रखेंगे, प्रैक्टिस बरकरार रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो इस बात की गारंटी दे रहे हैं हम। वो बात नहीं कर रहे कि इंशाल्लाह अब हो जाएगा या कोशिश आप करेंगे तो कर लेंगे। अगर आप कोशिश कर रहे हैं और आप मेहनत को बरकरार रख रहे हैं, तो यकीन करें, ये गारंटी है हमारी तरफ से कि इन फ्यूचर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बिलीनियर। मैं मिलीनियर भी नहीं कह रहा, मैं बिलीनियर कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पता है, मैंने ये रिसर्च की हुई है। आइंदा आने वाले 10 साल कंप्यूटर साइंटिस्ट के साल है। आज अगर आपने मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, यकीन करो हमें आपकी दुआओं की भी जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी बदल लो, बहुत है। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे, वी जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू चेंज योर लाइफ, दैट्स इट। और ये आप करके दिखा दो हमें, एंड में जो चाहिए होगा ना आपसे, हाँ ये चीज लाजमी चाहिए जो कि आपको देनी है। अगर आप नहीं देंगे तो यकीन करें, हमसे ज्यादा बुरा किसी और को नहीं लगेगा, और वो है आपका खुद का सक्सेस। आपको अपना सक्सेस हमें दिखाना है, दैट्स इट। दिखाओ हमें, सर आई एम सक्सेसफुल नाउ। थैंक यू भी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें आपका थैंक यू नहीं चाहिए। जस्ट शो अस के सर यस आई एम सक्सेसफुल, दैट्स इट।
वो हम जो काम कर रहे हैं ना, आप लोगों ने यकीनन एक सलमान खान की मूवी देखी होगी किक, हमें ये काम करने से किक मिलती है। अच्छा वो किक नहीं है कि पता नहीं ये काम कर रहे हैं तो पीछे से कोई लाते वाला है, ऐसी नहीं, खुशी मिलती है हमें। तो भाई हमें तो ये खुशी हम चाहिए, हम तो लेते रहेंगे। आप लोग काम नहीं करेंगे, हम आपको फिर जबरदस्ती करवाएंगे। और जबरदस्ती फिर वो बात भी, हम इस चीज पे भी कायम है कि हमने कोई एक बिल गेट्स बना दिया ना, एक बिल गेट्स, हम पाकिस्तान की तकदीर को चेंज कर देंगे। एक बिल गेट्स बस हमारा टारगेट वो है। अगर 2,000, 2,500, 5,000, 10,000 बिल गेट्स बन गए तो फिर तो मामला ही कुछ और है। ओके जी, सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमें करनी है, आपको समझनी है। कोई चीज मैं मिस कर रहा हूं तो बता दें, वासित एंड गौस। ओके एवरीथिंग इज डन। ओके लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन, लेट्स कम टू द चैप्टर अगेन। द थिंग इज के जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फायरबेस के हवाले से, तो फायरबेस के होस्टिंग आप लोगों ने समझ ली, मैंने वीडियो भी डाल दी थी, यकीनन उस शॉर्ट वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। ज्यादातर जो आप लोग इशू कर रहे हैं वो एक इशू ये कर रहे हैं कि आप लोग पब्लिक के फोल्डर के अंदर पूरा अपना फाइल नहीं डाल रहे। अच्छा फाइल डाल रहे हैं तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्टाइल डॉट सी एस एस की पिक्चर्स नहीं डाल रहे हैं, तो सैलानी का लोगो वगैरह नजर नहीं आता। हर चीज को प्रॉपरली करें, चीजें हो जाएगी। आप फायरबेस डिप्लॉय करें, आपके पास हर चीज, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट। सो इस तरह आप लोगों को बरकरार रखना है। नाउ लेट्स गो फर्दर विद द चैप्टर। आज हमारे पास इंशाल्लाह गॉस मौजूद है जो कि चैप्टर नंबर 13 आपको करवाएंगे, बासित मौजूद है जो चैप्टर नंबर 14 करवाएंगे। थ्रू आउट द क्लास कायम रहिएगा क्योंकि उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह मीडिया क्यूरी कर रहे हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन ये थे, सर हम जब डेस्कटॉप में अपनी एप्लीकेशन खोल रहे हैं तो अपने हमारी मर्जी के मुताबिक, हमारे मतलब के मुताबिक हमें आउटपुट मिल रहा है, बट यही चीज जब हम उसमें कर रहे हैं मोबाइल में तो हर चीज बिखर गई, पता नहीं सर क्या हो रहा है। तो वो ये हो रहा है कि आप जो बना रहे हो वो अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, वो मीडिया क्यूरीज के थ्रू होता है यूजिंग कस्टम सीएसएस। फिर आपको हम बूटस्ट्रैप जो सिखाएंगे उसके थ्रू आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। उसमें फिर आप अगर मोबाइल में खोलें, टैबलेट में खोलें या डेस्कटॉप में खोलें, हर चीज एडजस्टेबल होती है और प्रॉपरली चीजें एग्जीक्यूट हो सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप डॉलर बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो इंशाल्लाह हम आगे आप लोगों को बताएंगे। ओके नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ओके लेट्स कम टू द चैप्टर। हमने तकरीबन लास्ट टाइम जो चीजें कवर की थी एक दफा जल्दी से गो थ्रू कर लें। टेक्स्ट का चैप्टर हमने कवर किया था। टेक्स्ट के चैप्टर में हमने देखा था सेरिफ, सेंस सेरिफ, मोनोस्पेस, ये टाइपफेस होते हैं जो कि ज्यादातर आप लोग, अगर आप लोगों ने देखा हो सेरिफ जो होता है वो जनरली आपको पाया जाता है, मोनोस्पेस आप लोगों ने अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होता है। तो ये डिफरेंट आपके पास टेक्स्ट है जो कि आप लोगों ने चेक किए थे लास्ट टाइम। ओके फर्दर मोर आप लोग ये भी देखते हैं, ये भी जानते हैं कि हमने जो है फर्दर ये चीजें कवर कर ली थी। जॉर्जिया सेरिफ में जॉर्जिया, टाइम्स टाइम्स न्यू रोमन, सेंस सेरिफ में आपके पास एरियल, वर्डना और हेलवेटिका, आपके पास ये डिफरेंट है। ये हमने लास्ट टाइम गौर से करके भी दिखाया था, यकीन है आप लोगों ने इस चीज की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अच्छा यहाँ पर हमने कुछ फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फेस वगैरह डिस्कस किए थे जो कि कौन से आपके पास मतलब लाइक आप लोग उसको अवेल कर सकते हैं, लाइसेंसिंग के क्या इश्यूज है वो लास्ट क्लास से आप लोग चेक कर सकते हैं दोबारा। फॉन्ट फैमिली ये होती है जैसे एरियल, मोनोस्पेस, ये सारी आपके पास फॉन्ट फैमिली होती है। अच्छा आप मल्टीपल डाल सकते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जॉर्जिया इंस्टॉल नहीं है तो टाइम्स आपके पास चलेगा, अदरवाइज सेरिफ चलेगा। तो ये चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, अगर एरियल नहीं है तो वर्डना चलेगा, एस सेंस सेरिफ चलेगा, कोरियर न्यू नहीं है तो आपके पास कोरियर मोनोस्पेस चलेगा। तो ये चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। फॉन्ट साइज हमने देखा था, फॉन्ट साइज हम पिक्सल में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, ईएम में दे सकते हैं। ईएम इज द साइज ऑफ एम। एम क्या होता है, एम एक डिजिट जो है उसके साइज है, उसके स्पेसेस क्रिएट करता है। कितना है, कितने साइज में आपको एम के साइज को कितने इंक्रीज करना है। जो नॉर्मली जो टेक्स्ट के ऊपर लगता है वो एम लगता है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। परसेंटेज आप वहां लगाते हैं, ये चीज समझ लें, जहां जहां आपको चीजों को
फॉर एग्जाम्पल आप लोग रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो वहां परसेंटेज के साथ आप काम करते हैं, पिक्सल्स आपका फिक्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 72 आपके पास पीटी तक काम करता है, दिस इज लाइक पिक्सल पर पॉइंट है आपके पास, इस तरीके से काम कर रहा होता है। ओके जी, फर्दर मोर आपके पास क्या है, पिक्सल्स है, परसेंटेजेस है, एम्स है, ये चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। फॉन्ट फेज आपके पास होता है, अच्छा फॉन्ट फेज में आप लोगों के पास क्या क्या चीज है, आप फॉन्ट फैमिली को डिफाइन कर सकते हैं। फॉन्ट फेज वो है जो कि आप फॉर एग्जाम्पल आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता, बट आप बाहर से उसको इम्पोर्ट करना चाहते हैं, उसका URL वगैरह SRC के थ्रू आप दे देते हैं। फर्दर मोर आपके पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉन्ट फॉर्मेट्स है, ये डिफरेंट आपके पास कौन सा क्रोम में चलेगा, कौन सा किस ब्राउजर में चलेगा, ये चीज हमने डिस्कस की थी। फॉन्ट वेट आपके पास बोल्ड करना है, आपको नॉर्मल रखना है, इस चीज के हवाले से हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये फॉन्ट स्टाइल को किया था, नॉर्मल है, इटैलिक है, ऑब्लिक है, ये स्टाइलिंग है, ठीक है। इटैलिक आप कर सकते हैं, इटैलिक क्या होता है हमने करके देखा था, HTML में भी आप यूजिंग CSS भी कर सकते हैं, ये डिफरेंट स्टाइल है जो कि लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आपके पास अपर केस में आपको कोई चेंज करना है, आप लोअर केस में करना चाहते हैं, आप कैपिटलाइज यानी फर्स्ट करेक्टर आपके पास कैपिटल हो जाएगा, ये डिफरेंट चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। टेक्स्ट डेकोरेशन में जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो तो उससे क्या होता है कि जो आपके पास पॉइंट्स वगैरह है, जो लिस्ट के पॉइंट्स है, वो सब आपके पास हट जाते हैं। अंडरलाइन आपको करना है, ओवरलाइन यानी ऊपर लाइन लेके, लाइन थ्रू यानी लाइन आपको ब्लिंक करना है तो आपके पास ब्लिंक हो रहा होता है, ये लास्ट टाइम हमने सब करके दिखाया था ना बॉस। ओके, लाइन हाइट है, लाइन के दरमियान में कितना आपको डिफरेंस डिस्टेंस देना है, ये हमने डिस्कस किया था। लेटर स्पेसिंग है, वर्ड स्पेसिंग है, अच्छा लेटर स्पेसिंग क्या होता है कि हर लेटर के दरमियान में कितने स्पेस देना है। वर्ड स्पेसिंग यानी जो जुड़े हुए लेटर है उनके दरमियान में, मतलब जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान में कितने स्पेस देना है, वो एम के थ्रू आप देते हैं, सही है, ये आप देख सकते हैं। लेटर स्पेसिंग है, फिर वर्ड स्पेसिंग है, ठीक है। फिर आपके पास टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन आपके पास लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास एरियाज है। वर्टिकल अलाइन जो है आपके पास टॉप है, बेस लाइन है, टेक्स्ट बॉटम है, तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था। फर्दर मोर फिर हमने ये देखा था कि इंडेंटेशन को देखा था। टेक्स्ट इंडेंटेशन में हम क्या कर रहे थे, हम जो बैकग्राउंड है उसमें आपके पास थोड़ा डिफरेंस लेकर आ रहे थे, जिस तरह से आपने बैकग्राउंड इमेज लगा दिया और नो रिपीट कर दिया, ये सिंगल बैकग्राउंड वगैरह के हवाले से इस्तेमाल होता है। अच्छा, इंडेंटेशन तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, आज जो हम करने जा रहे हैं, अच्छा ये बहुत सिंपल चीजें हैं, ये वो चीजें हैं कि जो आप लोग अगर खुद भी पढ़ते तो आप बहुत आसानी से इन चीजों को कवर कर सकते थे। अच्छा, टेक्स्ट शेडो क्या करता है, टेक्स्ट शेडो आपके पास ये करता है कि बैकग्राउंड थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, अभी तक हमने जो चीज कर ली थी वो तेजी से निकाला, अब जो चीज करने के लिए जा रहे हैं उसको थोड़ा स्लो डाउन करके आपको समझा देता है। अच्छा जी, टेक्स्ट शेडो क्या करता है, आपके पास बैकग्राउंड कलर दे दिया, टेक्स्ट में आपकी मर्जी है कलर दे दिया उस टेक्स्ट को, टेक्स्ट शेडो शेडो जो है ना उसमें एक शेडो क्रिएट करता है, यानी 1px जो है ना पॉजिटिव में वो लेफ्ट टू राइट को रिप्रेजेंट करता है। फिर जो नेक्स्ट है वो आपके पास टॉप टू बॉटम को डिफाइन करता है कि कितना ऊपर शेडो रखना है, कितना कम रखना है, कितना डार्क ऊपर रखना है, कितना डार्क नीचे रखना है। फिर आपके पास ये जो है थर्ड वैल्यू, ये कितना शेडो आपको डार्क रखना है और उसमें शेडो का क्या कलर देना है, वो आपके पास यहां पे आ गया। अच्छा, टेक्स्ट इंडेंटेशन में आपके पास ये होता है कि जिस तरह आप लोगों के पास एक इमेजेस है, हमने टेक्स्ट इंडेंटेशन देखे उस चीज पे हमें, क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर करना है तो जो चीज हमने कवर कर दी है उस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप लोग लास्ट क्लास को खोल के उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। आपने इमेज ले लिया, ठीक है, और बैकग्राउंड कोई भी इमेज ले लिया उसको आपने नो रिपीट कर दिया बैकग्राउंड में लगा के, टेक्स्ट इंडेंट क्या करता है उसको ब्लर करके आपके पास कितनी इंडेंट आपको अप्लाई करना है। अगर यहां पर देखें, द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है,
ये फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट को आपको इंडेंट करके शो कर देता है. ओके, विद इन एन एलिमेंट द अमाउंट यू वॉन्ट द लाइन इंडेंटेड बाय कैन बी स्पेसिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज बट इज यूजली गिवेन इन पिक्सल्स और एम्स. ठीक है, ये बेसिकली आपके पास टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई होता है कि जिसमें आपके पास अलाउज यू टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट विद इन एन एलिमेंट. एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास जिस तरह ब्राइड है ना, तो ब्राइड को ये इंडेंट करके आपके पास जिस तरह आप लोगों ने इमेजेस वगैरह लगाई होती है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 20px है ना आपके पास, मैंने कहाँ लगाया, डॉट क्रेडिट्स में. ठीक है, इसको हम अप्लाई अभी करके दिखा देते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा और आसान हो जाए. टेक्स्ट शेडो में थे हम. टेक्स्ट शेडो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट टू राइट आपके पास देखा, फिर टॉप टू बॉटम है आपके पास. ये इससे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इससे हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि आपके पास कितना ज्यादा जो है वो शेडो शो होगा. ये बेसिकली कलर मतलब शेडो का, इसको करके देख लेता. अच्छा, हम एक क्लास न्यू बना लेते हैं. दिस सिक्स क्लास ना, जिसके पास ब्लर है वो प्लीज कोशिश करें. नेक्स्ट क्लास हम कोशिश करेंगे कि हम यूट्यूब से भी लाइव कर दें ताकि आप लोगों के लिए कुछ आसान हो जाए. मैंने किया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, एंड देन मैंने किया स्टाइल डॉट सी एस एस, राइट. मैंने इसके अंदर आपके पास जो है वो जर्नल सिंटेक्स बना दिया. इसके अंदर हम एक पी का टैग बना देते हैं. ठीक है, पी का हमने टैग बना दिया. इस पी के टैग के अंदर लिख रहे हैं माय नेम इज मोहम्मद अली. ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने अगर मल्टीपल बनाया होता है तो हम कह देते, चलें एक ही रखते हैं ताकि आपके पास डायरेक्ट पी में अप्लाई हो जाए. सही है, मैं लिंक लगा देता हूँ. ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया स्टाइल डॉट सी एस एस. सही है, मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में गया तो मैंने क्या, टू सेव द टाइम सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और ये जो पूरा आपके पास कोड है इसी को हम अप्लाई कर देते हैं टू मेक थिंग्स ईजियर. अच्छा, अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए कमेंट में रखता हूँ, सही है, अभी मैंने टेक्स्ट शेडो नहीं लगाया, जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं. दिस इज द आउटपुट. सही है, बैकग्राउंड मेरे पास कलर है और इसके ऊपर जो टेक्स्ट का कलर है वो भी शो हो रहा है. ठीक है, दोबारा हम कोड में जाते हैं. अब क्या कर रहा हूं मैं, जो मेरा टेक्स्ट शेडो है मैं वो अप्लाई कर रहा हूं. अच्छा, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं. ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया और हम जब इसको देखते हैं तो आप देखें ये शेडो जनरेट किया हुआ है. सही है, माई नेम इज मोहम्मद अली में आपके पास शेडो जनरेट हुआ है. ये जो आपके पास 1px है ना, ये 1px आपके पास ये बता रहा है लेफ्ट टू राइट पे. अच्छा, अगर ये आपके पास 1px पॉजिटिव में है तो ये आपके पास इस तरह से शो होता है. अगर मैं इसको नेगेटिव कर लेता हूँ तो देखते हैं कि क्या आउटपुट, थोड़ा सा प्रोबेबली आप देखें. अगर मैं 1px पॉजिटिव में कर रहा हूँ तो वो थोड़ा राइट करके दिखा रहा है, और मतलब आपका टेक्स्ट लेफ्ट में आएगा, शेडो आपके पास राइट पे शो कर रहा है. मैं जब नेगेटिव कर रहा हूं तो टेक्स्ट आपका राइट पे दिखा रहा है और आपके पास शेडो लेफ्ट में आ रहा है. ठीक है, ओके. अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको
थोड़ा सा वो कर देता हूँ, 3px कर देता हूँ, ठीक है? तो फिर देखते हैं क्या होता है। आपके पास शेडो थोड़ा सा कम हो गया, मतलब जितना आप उसके पिक्सल को बढ़ाएंगे, अगर मैं इसको -3px कर देता हूँ, तो माइनस में आपके पास काम नहीं कर रहा, ठीक है? सो लेट्स मेक इट, मतलब 0 इज द मैक्सिमम। आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे शेडो शो कर रहा है। सो दिस इज व्हाट टेक्स्ट शेडो इज ऑल अबाउट, जिसके थ्रू आप फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट लेटर के ऊपर कोई अप्लाई करना है या फर्स्ट लाइन के ऊपर कोई अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है मल्टीपल लाइन्स मौजूद है, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन पे अप्लाई करना चाहता हूँ या फर्स्ट लेटर पे अप्लाई करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पी का टेक्स्ट है, पी का टैग है, पी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं अपने पास जो है इसी के अंदर फर्स्ट लेटर करके अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? और ठीक है, मैंने कर दिया, फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, ठीक है, फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 20px। जब मैं इसको रेंडर करूंगा तो यू पीपल कैन सी वन थिंग। ओके, 20px मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं कि सिंपली अक्सर अखबारों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो फर्स्ट लेटर है वो आपके पास जो है उसका फॉन्ट साइज ज्यादा होता है, बड़ा होता है। वो कैसे होता है, अक्सर न्यूज़पेपर जो आपके पास टैबलेट वगैरह में होता है आपने उसमें भी देखा होगा कि इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो आप क्या करते हैं, ये फर्स्ट लेटर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं कि जिसके थ्रू आप बआसानी कर सकते हैं। साउंड नहीं आ रहा? सर आ रहा है लेकिन पता नहीं क्लियर है यार, काफी स्पीकर बंद नहीं करा हुआ है, जो लोग नो साउंड का कमेंट कर रहे हैं। सारे एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे, तो लोगों को क्लियर है, मोबाइल भी चेक किया मैंने, पूछे जरा सब कुछ। अच्छा, वॉइस इज क्लियर? वॉइस अगर क्लियर है तो बता दें प्लीज। दिस वन टू सेट। अच्छा, क्लास आप लगा सकते हैं, सिंपली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज वन थिंग, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें क्लास आईडी देता हूँ, आईडी भी लगा सकते हैं। मैंने आईडी दी इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा चेंज, ठीक है? आईडी मतलब फर्स्ट लेटर को चेंज करना, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली स्टाइल डॉट सीएसएस में गया, पी के आगे मैंने लगा दिया हैश चेंज, सही है? और उसके फर्स्ट लेटर में मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से आप फर्स्ट लाइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन में फॉर एग्जांपल आपके पास जो है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास एक ही लाइन है, बट फर्स्ट लाइन में अगर आपको जिस तरह ये आप देख सकते हैं ये बोल्ड हुआ हुआ है, यानी फर्स्ट लाइन जो है उसका फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा कि जो भी फर्स्ट लाइन है उसको जो है बोल्ड करके आपके सामने शो कर देगा। एंड दिस इज वेरी सिंपल, आई होप कि आप लोग समझ आ गया है, आप इसको इम्प्लीमेंट करके समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिंक और विजिटेड, ठीक है? ये बेसिकली आपके पास लिंक पे लगता है, ठीक है? जो बाय डिफॉल्ट लिंक होगा उसमें आपके पास जो है कलर आपका आप डिफाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन आपने नन कर दिया, सो ऑन, इसको करके दिखा देते हैं, ठीक है? मैंने किया फॉर एग्जाम्पल HTTP Google.com, ठीक है? और मैंने लिख दिया गूगल, राइट? और इसके फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास भी दे देता हूँ इसको, क्लास मैंने दिया फॉर्मेट, फॉर्मेट का क्लास दे दिया, सही है? तो हम इसके फॉर्मेटिंग को चेंज कर रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा, अगर आप क्लास ना दे तो मैंने सिर्फ एक ही बनाया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिखा ए डॉट फॉर्मेट, आईडी देना चाहे तो आईडी भी दे सकते हैं आप,
ठीक है। और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसी को टू सेव द टाइम लगा देता हूं, एक चीज हमें करनी पड़ेगी, सिंपली ये कर देते हैं, जो लिंक है आपके पास वो इस तरीके से शो हो जाए, और जो फॉर एग्जांपल आपने विजिटेड की भी है इसको मैं थोड़ा सा जो है आपके पास, अच्छा ये थ्रू आउट ए के ऊपर लग रहा है, अदरवाइज आप जो है इसको, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ए डॉट फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये सही है, एंड देन इसको मैं कर देता हूँ ए डॉट फॉर्मेट, यानी उस ए में जिसका क्लास फॉर्मेट है उस पर अप्लाई कर दो, ठीक है। इज एवरीथिंग फाइन? वीडियो इंटरप्टेड का आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। ओके ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, हम आगे कंटिन्यू कर लें। ओके मेरे ख्याल से इसको, या तो मेरे पास वो खत्म हो गया होगा, ओके मेरे ख्याल से अब सही हो गया, ठीक है। जब मैं इसको ये करूंगा और मैं इसको रेंडर करके देखता हूं, तो रेंडरिंग में मेरे पास फॉर एग्जांपल ये लिंक आ गया है, ठीक है। अच्छा इसके डेकोरेशन नन किया हुआ है, जिसकी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिंक की बात करता हूँ तो लिंक मेरे पास इस तरीके से शो कर रहा है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी मेरे पास कैशे में विजिटेड है, गूगल जो है मेरे पास कैशे में विजिटेड है। अगर मैं कैशे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, और मैं रिफ्रेश करता हूँ, कैशे क्लीन कर देता हूँ, उप्स, अच्छा क्योंकि ये मेरे पास गूगल ऑलरेडी विजिटेड है जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था, थोड़ा सा हम कैशे को क्लीन, ओके तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि गूगल जो है वो पिंग में शो हो रहा है, जो कि मेरे पास कोड था, सही। मैंने अभी क्या किया, इनकॉग्निटो में खोला है, जो कि कैशे का कोई भी पार्ट मेरे पास सेव नहीं करता। कलर क्या है, मेरे पास पिंक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है, नन है, यानी मेरे पास कोई भी अंडरलाइन वगैरह नहीं आ रहा। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, अक्सर आप लोगों ने देखा है क्लिक करने पे बाय डिफॉल्ट आपके पास ब्लू से पर्पल हो जाता है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, ये गूगल आ गया। अच्छा क्योंकि यहाँ पे कैशे सेव नहीं हो रहा, इनकॉग्निटो है, अदरवाइज आप जब गूगल में अपने पास ब्राउजर में कर रहे होंगे तो वो कैशे में सेव हो जाता है, और विजिटेड जब शो हो रहा होता है तो आपके पास क्या होगा, वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, अभी तक जितना किया, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। बफर कर रहा है क्या? आपके पास भी बफर कर रहा है? पे स्पीड देख लेना, सही से देख सेट है, स्पीड तो आ रही है। जी यू पीपल कैन हियर अस, इशू आ रहा है तो बताएं, कोई बफरिंग का इशू ज्यादातर लोग कह रहे हैं। क्लियर है सर, बफर हो रहा है,
अच्छा ओके चलें जी, अब मेरे ख्याल से सही कर दिया है, ये सही हो गया है। पीछे से नेट जो अगर कंज्यूम कहीं हो रहा था, आप लोग प्लीज अपने पास इंटरनेट को देख लें, क्योंकि अब हमारे पास सही हो गया है चीजें, ठीक है। अच्छा जी, होवर एक्टिव और फोकस। एक्टिव आपके पास बटन में लगता है, होवर और फोकस हम इनपुट टेक्स्ट बार में भी लगा सकते हैं, और आपके पास जो है वो बटन में भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या होता है हुअर, क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया एक इनपुट टेक्स्ट बार, ठीक है, इनपुट टेक्स्ट बार बनाया मैंने, फॉर्म बना लिया, ठीक है, और इस फॉर्म में मैंने जो है एक्शन में हैश दे दिया, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने इनपुट टेक्स्ट बार बना दिया, ठीक है, और टाइप टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ एक बटन भी बना देता हूँ, ठीक है, और इस बटन का नाम मैं कर देता हूँ सबमिट, सही है। अच्छा मैं CSS में आ गया, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कि अब आपके पास ये शो ना हो। मैं CSS में आया, और CSS में आके मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जो मेरे पास इनपुट था मैंने लिखा इनपुट डॉट हवर, ठीक है, सॉरी हवर लिखा मैंने, और जो फॉर एग्जाम्पल हवर क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से हमने एब्रिविएशन को देखा था, आप उस पे माउस का एरो लेके जाते हैं तो एब्रिविएशन उसकी शो हो जाती है। तो हवर बेसिकली कोई भी आप लेके जाएंगे तो उसकी आपके पास चेंजेस शो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में कर देता हूं ब्राउन, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करते हैं देखते हैं, ठीक है, ये मेरे पास इनपुट टेक्स्ट बार है, मैं जैसे ही माउस उसके पास लेके जाऊंगा ये मेरे पास ब्राउन हो जाएगा, मैं माउस हटाऊंगा ये दोबारा से आपके पास व्हाइट हो रहा है, जैसे ही माउस लेके जाऊंगा ये आपके पास ब्राउन हो जाएगा। तो ये हवर है बेसिकली, इसी तरह आप बटन में भी लगा सकते हैं। अच्छा फर्दर मोर हम क्या कर रहे हैं, हम इसके ऊपर इनपुट में फोकस भी लगा देते हैं, ठीक है, फोकस मैंने क्या लगाया है, फोकस मैंने लगाया है, मैं बैकग्राउंड कलर ही लगा देता हूं, ठीक है, और मैं कर देता हूं रेड, सही है। फोकस क्या है, जब मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, मैं आया हवर किया तो ब्राउन है, जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे ख्याल से आपके पास क्योंकि ये हवर पे प्रॉपर्टी काम कर रही है, अगर मैं इसको हटा दूं और मैं इस पे क्लिक कर दूं, क्या हो रहा है, कैसे सेव हो रही है, ये ब्लैक हो गया, ठीक है, वो मेरे ख्याल से पहले मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, तो इसको दोबारा से वैसे कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने रिफ्रेश किया, मैं होवर कर रहा हूँ ब्राउन है, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये रेड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या काम हो रहा है, ये काम हो रहा है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि होवर करने पे बटन का कलर चेंज हो जाता है या उसमें कोई चेंजेस आ जाती है, क्लिक करते हैं तो कुछ और चेंजेस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बटन पे लगाता हूँ एक्टिव, ठीक है, मैंने लिखा बटन और मैंने किया एक्टिव, ठीक है, एक्टिव जब मैंने किया और यहां पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया दिस, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं, जब मैं हवर कर रहा हूं ये ब्राउन है, क्लिक कर रहा हूं ये रेड है, ब्राउन कैसे आ रहा है, हवर पे आ रहा है, क्लिक पे फोकस आ रहा है, अच्छा मैं जैसे बाहर ले जाऊंगा फोकस आउट हो गया, हवर कर रहा हूं ब्राउन आ गया। तो ये बेसिकली अच्छा मैं एक्टिव क्या, एक्टिव बटन पे काम करता है जब आप बटन पे क्लिक करते हैं, मैंने क्लिक करके रखा हुआ है ये ग्रीन है, मैंने जैसे क्लिक छोड़ा तो आपके पास ये दोबारा से अपनी पोजीशन में आ गया, क्लिक किया ये ग्रीन है। तो ये एक्टिव का काम है जो कि सिर्फ बटन पे लगता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपके पास
हवर काम करता है, किस तरीके से आपके पास फोकस काम करता है और किस तरीके से आपके पास एक्टिव काम करता है। लास्ट चीज है एट्रीब्यूट के हवाले से, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बट कोशिश करें आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अच्छा ये क्या है आपके पास के मैचेस आर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, वो आप उस पे टारगेट करें, उस पे टारगेट करें जिस पे क्लास का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, यानी वो पी एलिमेंट कि जिस पे क्लास का एट्रीब्यूट लगा हुआ है उसको आप टारगेट कर लो, सही है, उस पे आप सीएसएस अप्लाई कर लो, ठीक है। अच्छा ये आपके पास क्या कर रहा है एग्जाम्पल, यानी वो मैचेस आर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट विद आर स्पेसिफिक वैल्यू, यानी जहां जहां पर भी पी में क्लास होगा ना वहां पर आपके पास अप्लाई हो जाएगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देन ऑल्सो क्योंकि बुक का पार्ट है हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, बट इसका समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सीएसएस के बाद आपको पता है आपका टेस्ट होने के लिए जा रहा है तो ये सारी चीजें आपके पास आ सकती है। हर वो क्लास के जिसका जिसकी वैल्यू डॉग है उस पे सीएसएस अप्लाई कर दो। अच्छा ये क्या है, यानी हर वो मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हुज वैल्यू अपीयर्स इन अ स्पेसिफिक स्पेस सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वर्ड्स, यानी आप मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हो। किस तरीके से मल्टीपल क्लासेस वो दिखा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर क्लास दी हुई है, कहां दी थी मैंने क्लास, ये रही, ठीक है मैंने फॉर्मेट है स्पेस देके मैं मल्टीपल क्लासेस भी दे सकता हूं, मैंने चेंज का क्लास दे दी तो एक आपके पास एक पर्टिकुलर क्लास में आप दो वैल्यूज भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या, अच्छा ये कहाँ यूज होता है ये आज से ग्रेजुअली हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर वो क्लास को टारगेट करो कि जिसकी एक वैल्यू जो है वो डॉग है, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। अच्छा मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हुज वैल्यू बिगेंस विद अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग, यानी हर उस क्लास को टारगेट एट्रीब्यूट को टारगेट करो, मैचेस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हुज वैल्यू बिगेंस विद अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग, यानी हर उस एट्रीब्यूट को टारगेट करो जिसकी वैल्यू आपके पास डी से स्टार्ट हो, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहा है, मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कंटेन्स अ स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग, उस एट्रीब्यूट को टारगेट करो कि जिसके वैल्यू में आपके पास डू एज अ सब स्ट्रिंग हो। अच्छा ये सब एक साथ हम आपको करके दिखा रहे हैं बट अभी एक दफा आप लोग इसको फोकस कर लें क्योंकि बहुत बेसिक है। सफिक्स क्या कहता है, मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हुज वैल्यू एंड्स विद अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग यानी जी। अच्छा ये कर देते हैं आपके पास सब एक एक करके हम आपको करके दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया क्या, मैंने सबको कर दिया कमेंट, मैंने आपके पास जो है पी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, ठीक है। अच्छा जी थोड़ा सा इंडेंटेशन कर देते हैं, एक स्पेस मैंने लिख दिया फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहले HTML लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया CSS और एंड में मैंने लिख दिया JavaScript, ठीक है। मैंने इसको दे दिया क्लास मैंने इसको क्लास दे दी HTML की। अच्छा जी मैंने इसको क्लास दे दी CSS की। अच्छा कुछ ऐसी क्लास देनी है जैसे डॉग है ना, तो उसी को रखते हैं ताकि चीजें आपके पास समझ में आ जाए। ये मेरे पास डॉग है, ये डॉग है क्योंकि ये बुक के एग्जाम्पल से हमें मैच करना है, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम क्लास इज इक्वल टू कैट कर देते हैं, ठीक है ओके। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, यानी जहां जहां क्लास मौजूद है एज अ एट्रीब्यूट वट एवर इट्स वैल्यू, वैल्यू मैटर नहीं करती है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने किया पी यानी ये क्लास, मैंने लिखा क्लास
ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, कलर कर दो रेड, ठीक है। अच्छा, हर वो पी एलिमेंट के जिसमें क्लास लगी हुई है, नो मैटर के जिसमें वैल्यू व्हाट्स एवर है, अभी सिर्फ क्लास एज एट्रीब्यूट की बात हो रही है। एक में आपके पास कैट है, तो कैट को हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, मेरे पास तीनों जो है वो रेड हो गया, क्योंकि यहां पर एट्रीब्यूट को फोकस किया जा रहा है, इसकी वैल्यू को फोकस नहीं किया जा रहा। जल्दी से नेक्स्ट में आ जाते हैं, दैट इज इक्वेलिटी। इक्वेलिटी यानी आपके पास मल्टीपल एलिमेंट क्लासेस है, बट अगर किसी एक की भी डॉग एज अ वैल्यू है तो उसको टारगेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, इसको भी कैट कर दिया, ठीक है, या चले इसको जो है हम रखते हैं कैट, ठीक है। यानी इस क्लास में मेरे पास दो वैल्यूज मौजूद है, एक कैट है डॉग है और दूसरी क्या है कैट है। मैं जब इसके तरीके कार में आता हूं, तो मैंने टारगेट बेसिकली किसको करना है, मुझे टारगेट उसको करना है कि जिसमें मेरे पास कैट लिखा हुआ हो, ठीक है। और मैं कलर कर देता हूं ब्लू। अच्छा, ये बेसिक चीजें हैं, इसको जल्दी से कवर कर रहा है ताकि हम आगे बढ़ सके मजीद। ओके, क्लास है जिसमें कैट है, यानी मेरे पास कैट कहां का है, एक तो ये कैट है और दूसरा ये कैट है। उस क्लास को टारगेट करो कि जिसमें आपके पास कैट की वैल्यू मौजूद है, चाहे वो स्पेस के साथ हो चाहे वो अलग हो। इसको रेंडर करके देख लेते हैं, मैंने ब्लू कलर किया हुआ है। अच्छा, यहां पे मेरे पास आया, दूसरे में मेरे पास नहीं आया। एक मिनट, मैचेस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। ओके सॉरी, ये आपके इक्वल पे आपके पास चेक हो रहा है, बेसिकली एक मिस्टेक कर दी। स्पेस जो है ना वो नीचे वाला है, स्पेस के साथ हम इक्वेलिटी भी चेक कर रहे हैं, यानी जहां पर कैट आपके पास एग्जैक्टली मौजूद होगा वहां पे आपके पास स्टाइलिंग हो जाएगी, जो कि मेरे पास थर्ड में मौजूद है। अच्छा, अब जो थर्ड वाला स्पेस वाला है इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम क्या लगा रहे हैं, टिल्डा लगा रहे हैं, एग्जैक्टली वही है, सिर्फ टिल्डा लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल में आएंगे और इसके पहले हम टिल्डा लगा देंगे, और जब हम इसको रेंडर करेंगे तो आपके सामने, यानी फर्स्ट में मेरे पास स्पेस के साथ कैट मौजूद था, और यानी मेरे पास फर्स्ट में भी हो गया, यानी जहां पर कैट मौजूद है या स्पेस के साथ कैट मौजूद है वहां पर आप रेंडर कर दो। आगे बढ़ते हैं, प्रीफिक्स मेरे पास क्या कर रहा है, यानी हर वो एलिमेंट मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट उस वैल्यू अपियर्स इन अ स्पेस सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ये तो स्पेस हो गया। प्रीफिक्स में मैचेस अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हुज वैल्यू बिगिंस विद अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग। अच्छा जी, मैं आता हूं कोड में, मैंने एक को लिखा, फॉर एग्जाम्पल एक है डॉग, दूसरा है डोंकी, ठीक है। मेरे पास ये दो एलिमेंट है, और इसको लिखने का जो तरीका है वो सिंपली मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि नॉर्मली बहुत रेयरली इस्तेमाल होती हैं चीजें। मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, और जब मैंने रेंडर किया, चलिए एरर मैं कैसे, अच्छा ये मेरे ख्याल से आपके पास सपोर्टेड नहीं है। ओके, मेरे ख्याल से एक मिस्टेक है, इक्वल्स टू आएगा। अच्छा, ये बुक की मिस्टेक है, देखिए मैंने ये जब कॉपी किया तो मेरे पास एरर शो हो रहा था, बट जब मैंने इसको देखा तो मेरे पास इस कैप के साथ इक्वल टू साइन भी है, तो ये बुक की मिस्टेक है, आप लोग भी इसको काइंडली देख लीजिएगा। ओके, मैंने क्या किया, मैंने मैंने हर उस एलिमेंट को टारगेट किया कि जिसमें मेरे पास जो है बी एज अ स्टार्ट यूज हो रहा है, ठीक है, क्लास डोंकी और डॉग। अच्छा, ये मेरे ख्याल से अब सपोर्ट नहीं करता। कुछ चीजें हैं जो कि बुक में पुरानी है। चलें जी,
प्रीफिक्स है, सफिक्स में क्या कर रहा है, यानी डू, डोंकी है, डॉग है, दोनों में आपके पास ये सब स्ट्रिंग इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम उस पर कर सकते हैं। सफिक्स क्या है आपके पास, जो एंड में जी पे एंड हो, फॉर एग्जाम्पल डॉग है, फिर आपके पास दूसरा कुछ बता दो जो जी में एंड हो रहा हो, फ्रॉग, डॉग और फ्रॉग है, तो इन दोनों में अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये चीजें नॉर्मली हम भी इस्तेमाल नहीं करते वाइल डेवलपमेंट, बट इन चीजों का अभी करके देखा तो कुछ आपके पास ब्राउजर में सपोर्टेड नहीं है। सो आई होप कि ये समझ में, कुछ कुछ करके दिखा दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें किस तरीके से हो रही है। सो दैट्स एंड विद द चैप्टर। देर आर प्रॉपर्टीज टू कंट्रोल द चॉइस ऑफ फॉन्ट साइज, वेट, स्टाइल एंड स्पेसिंग। आपने अभी तक फॉन्ट साइज, वेट, स्टाइल, स्पेसिंग को देखा। आपके पास कुछ लिमिटेड चॉइस ऑफ फॉन्ट्स मौजूद है, आप फर्दर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो हमने देख लिया लास्ट क्लास में। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वाइड रेंज ऑफ टाइप फेसेस चाहिए तो आप उसको लाइसेंस परचेज कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल द स्पेस, लाइन ऑफ टेक्स्ट, इंडिविजुअल लेटर्स एंड वर्ड्स, जस्टिफाई सेंटर, राइट, लेफ्ट, ये सारी चीजों को हमने देखा। हम क्या कर सकते हैं, आपके पास यू कैन यूज सूडो क्लासेस टू चेंज द स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट व्हेन अ यूजर होवर्स ओवर और क्लिक्स ऑन इट। हमने होवर को देखा, हमने फोकस को देखा, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। सो दैट्स एंड विद चैप्टर नंबर 12। अब चैप्टर नंबर 13 जो है वो गॉस आपके पास मौजूद है, गॉस करवाएंगे। जी गॉस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर नंबर 13, जो कि हमारे पास है बॉक्सेस। बॉक्सेस हमने देखा था कि शुरू में HTML जब हम स्टार्ट कर रहे थे कि हमने देखा था हर एलिमेंट का एक बॉक्स हमारे पास होता है। जैसे कि div है तो div का एक बॉक्स है, इस तरह से हमारे पास पैराग्राफ का टैग है p है, उसका एक बॉक्स है। जो भी एलिमेंट होता है उसका हमारे पास बॉक्स मौजूद होता है। तो अब हम देखते हैं कि वो जो बॉक्स होता है उसको हम उसके साइज को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कंट्रोलिंग साइज ऑफ द बॉक्सेस, उस बॉक्स के साइज को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, बॉक्स मॉडल फॉर बॉर्डर्स, उस पे बॉर्डर किस तरह हम लगा सकते हैं, मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन एंड पैडिंग क्या है ये हम आप ही पढ़ते हैं। डिस्प्लेइंग एंड हाइडिंग बॉक्सेस, कोई बॉक्स को हाइड करना हो और उसको डिस्प्ले करना हो तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ जाती है विड्थ एंड हाइट। तो मेरे ख्याल से टेबल में काफी लोगों ने देखा भी होगा, अगर किसी ने टेबल में विड्थ यूज करी हो तो उनको पता होगा कि विड्थ जो है हमारी वो किस तरीके से काम करती है। विड्थ बेसिकली हमारे पास किस तरह से काम करती है, जो हमारी जो चौड़ाई होती है एक बॉक्स की, वो विड्थ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी उसकी विड्थ हो। और हाइट अगर हमारे को डिफाइन करनी हो तो हम हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि एक अपने पास डिव बना लेता हूँ, और एक बल्कि यही मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको हाइट और विड्थ का बता सकूँ। अच्छा, इसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैंने एक डिव बना लिया, और डिव के अंदर मैंने एक पी रखा हुआ है और उसमें थोड़ा सा टैक्स है। तो इसको मैं चला के देख लेता हूँ अभी क्या शो हो रहा है मेरे पास। ये सिंपल एक मेरे पास पैराग्राफ शो हो रहा है जो कि एक डिव के अंदर है। डिव हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में शायद। डिव हमारे पास क्या होता है, एक कंटेनर की तरह काम करता है, एक बॉक्स की तरह काम करता है। तो अभी जब देखें कि मैंने डिव के अंदर पैराग्राफ लिखा तो पैराग्राफ मेरा जो है इसने पूरी हमारी विड्थ ले ली है, जितनी भी हमारी बॉडी की विड्थ थी, बॉडी की चौड़ाई थी, वो इसने पूरी इसने कवर कर ली है। अगर हमें इसको स्पेसिफिक विड्थ देनी हो, मतलब ये बॉडी के हाफ साइड पर है, तो हम विड्थ के जरिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें 70% देनी हो कि बॉडी के 70% जो एरिया है बॉडी का वो कवर करे, तो हम वो विड्थ की तरह जरूर विड्थ को यूज करके कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं विड्थ को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। डिव को मैं क्लास दे देता हूँ मैन। डिव को मैंने क्लास दे दी जो कि मैन है। हम अपने CSS में आ जाते हैं। CSS में हम आ गए और हमने डिव को, डिव की क्लास को यहाँ पे सेलेक्टर के जरिए गेट करा, और इसमें थोड़ा सा मैं स्टाइल दे देता हूँ। अच्छा, ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, ये हम आगे जाके और पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको विड्थ समझाने के लिए ये लगा रहा हूँ।
तो अभी कोई इसमें इतना कंफ्यूज ना हो कि ये समझ में आई है या नहीं। तो बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी ये आगे जाके भी हम देखेंगे, और ये टेबल में भी आप लोग देख चुके हैं कि बॉर्डर होता क्या है। तो अभी मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और इसको हम चला के देख लेते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर लग गया है या नहीं। ठीक है जी, ये मैंने बॉर्डर लगा दिया। ये जो आपको रेड कलर का बॉर्डर नजर आ रहा है, ये हमारे पूरे डिप की विड्थ है। अगर मैं इसको जितना भी जूम कर दूं, जितनी हमारी बॉडी होगी उस हिसाब से ये कवर करेगा अपनी विड्थ को। तो अभी जो हमारी बॉडी फुल स्क्रीन हमारे पास साइज है वो 100% है, तो डिप की जो विड्थ आ रही है वो 100% अभी आ रही है। अगर मैं इसको छोटा करना चाहूं, छोटा भी मैं इसको कर सकता हूं, मैं इसको छोटा करने के लिए यूज करूंगा विड्थ, और इसमें मैं पिक्सल या परसेंट के हिसाब से दे सकता हूं। अभी जो डिफॉल्ट विथ मेरे पास डिफ की आ रही है वो है 100%। अगर मैं इसको 50% दे दूंगा तो जितनी बड़ी मेरी स्क्रीन होगी उसका हाफ साइड ये ले लेगा। तो पहले हम 50% दे के इसको देखते हैं। मैंने इसको बोला 50%, तो जितना हमारी बॉडी का साइज है उसका हाफ साइड ये ले लेगा। रिफ्रेश मैंने करा, ये देखें हाफ साइड जो हमारी बॉडी का है जो कि लेफ्ट पे, वो इसने ले लिया है 50% अगर मैंने विथ लगाई। इसी तरह से अगर मैं 70% लगाऊं तो वो क्या करेगा, एंड में 30% छोड़ देगा और बाकी जो 70% है वो साइज ले लेगा। अगर मैं इसको साइज को बॉडी के अपने छोटा करूं तो ये देख सकते हैं आप, जितनी बड़ी भी मेरी स्क्रीन का साइज होगा तो उस हिसाब से ये अपना 70% गेट करेगा और ले लेगा। तो ये तो हो गई हमारे पास परसेंट में विथ। इसी तरह से हम पिक्सल के अंदर भी विथ को दे सकते हैं। मैंने बोला इसको 400 पिक्सल, तो 400 पिक्सल का हम देखते हैं साइज क्या बन रहा है। ये बन गया, मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा सा और कम हो जाए, मैंने इसको बोल दिया आप 300 पिक्सल, ये हमारा साइज बन गया। इसी तरह से हाइट हमारे पास काम करती है। अभी देखें इसकी डिफॉल्ट हाइट जितनी आ रही है, जितना इसका टैक्स है, अगर मैं टैक्स को बढ़ाता हूँ, ये जो मेरा जो टैक्स लिखा हुआ है पी के अंदर, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो इसकी हाइट जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ये देखें आप, मैंने टैक्स को डबल कर दिया और मैंने रिफ्रेश करा तो इसकी जो हाइट है वो अपने आप बढ़ गई। लेकिन मैं चाहता हूं इसकी जो हाइट है वो फिक्स रहे, जो कि मैं सीएसएस में इसकी प्रॉपर्टी में दूंगा कि इसकी हाइट जो है वो 200 पिक्सल ही रहे। तो मैं वो भी कर सकता हूं, किस तरह से, जिस तरह मैंने विथ की यहाँ पे प्रॉपर्टी दी उसी तरह से मैं हाइट की यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ 200 पिक्सल। पेज रिफ्रेश करा, आप देखें टेक्स्ट हमारा कम है लेकिन इसकी जो हाइट है वो बढ़ गई है, टेक्स्ट से काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर मैं इसको चाहता हूं मैं और बढ़ा दूं तो 300 जब मैं इसको दूंगा तो थोड़ी सी हाइट जो है वो और बढ़ा देगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इमेज लगा के इमेज को भी हाइट विड्थ दे सकते हैं, डिव को भी हाइट विड्थ दे सकते हैं, पीक मतलब HTML का कोई भी एलिमेंट हम लिख रहे हो, यूज कर रहे हो, सबको हम हाइट विड्थ दे के कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे वो इमेज हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो डिव हो, कोई भी एलिमेंट हो, आप उसको हाइट और विड्थ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत आसान प्रॉपर्टी थी ये, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है मिन विथ एंड मैक्स विथ। ये क्या काम करती है ये अभी मैं आपको बताता हूं। मेरे पास, मैंने अभी इसको, मेरे पास एक डिव है जिसकी क्लास जो है वो मैन है, इसको मैंने एक बॉर्डर दिया हुआ है और इसको मैंने विथ दी हुई कितनी 300 पिक्सल। देखें ये 300 पिक्सल आ रही है। अब मैं क्या करता हूं, अपने डिव के अंदर एक इमेज लगाता हूं, डिव के अंदर मैं इमेज लगाता हूं। गूगल से मैं एक इमेज उठा लेता हूं, कार इमेजेस, यहां से मैं ये वाली एक इमेज उठा लेता हूं, बल्कि ये वाली मैं उठा लेता हूं। कॉपी इमेज एड्रेस मैंने इसका करा और अपने HTML में आके मैंने यहां पे इमेज बना ली, इमेज, और SRC के अंदर मैंने रख दिया इसका एड्रेस। पेज पे आके जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें ये क्या हो रहा है कि जो मेरी इमेज है वो मेरे डिव से बाहर जा रही है। ये क्यों बाहर इसलिए जा रही है, क्योंकि मेरे डिव की जो विड्थ है वो है 300 पिक्सल, लेकिन जब मैंने इमेज को लगाया, इमेज की जो विड्थ है वो कितनी है, इमेज की विड्थ काफी ज्यादा है, तो डिव की विड्थ जो थी वो कम थी। तो क्या हो रहा है, डिव की जितनी विड्थ थी उससे बाहर इमेज निकल ली। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं मैक्स विड्थ और मिन विड्थ। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये वर्क करती है। अच्छा, इमेज का जो मेरे साइज है, मैं इसको अगर मैं 100% दे दूंगा, इमेज की जो विड्थ है मैं इसको दे देता हूं 100%,
तो इससे क्या होगा, मेरी इमेज कवर हो जाएगी। अच्छा परसेंट में जब भी कभी भी हम कोई वैल्यू देते हैं तो आपको पता होगा वो क्या करता है, वो हमेशा अपने पेरेंट को देखता है, जितना बड़ा उसका पेरेंट का साइज होता है वो उस हिसाब से पूरा अपने आप को कवर कर लेता है। जैसे कि ये इमेज मैंने लगाई थी, इमेज का पेरेंट क्या है, डिव है, जिसको मैंने रेड बॉर्डर भी दिया हुआ है। अब डिव की जितनी भी विड्थ होगी, डिव को मैंने अगर 300 पिक्सल दी हुई है और इमेज को जब मैं 100% दे दूंगा, तो जितनी पेरेंट की विड्थ होगी मतलब डिव की जो विड्थ है 300 पिक्सल, ये बिल्कुल सेम वही ले लेगा। रिफ्रेश करके मैं बताता हूँ आपको, इसने क्या करा, जितनी बड़ी डिव की विड्थ है वो इसने ले ली और इमेज को उसके अंदर कवर कर दिया। अच्छा मिन विड्थ और मैक्स विड्थ जो है वो आप लोगों को काफी इश्यू आ रहा होगा कि अभी सर बोल भी रहे थे आपको कि किसी को इश्यू आ रहा था कि डेस्कटॉप पे अगर आप अपनी वेबसाइट को देखें तो बिल्कुल सही चल रही है, अगर आप मोबाइल पे खोल के देखें तो बिल्कुल ही अजीब सा कुछ आ रहा है, इमेज हमारी कहाँ भाग रही है, टेक्स्ट हमारा कहाँ भाग रहा है। तो अगर आप मैक्स और मिन विद यूज करेंगे तो आप इस चीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम किस तरह से इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैंने इसको विद की जगह मैंने इसको बोला मिन विद, जो कि मैंने यहाँ पे रख दी 200 पिक्सल, ठीक है जी, और मैंने इसको बोला मैक्स विद, मैंने रख दी 700 पिक्सल। रिफ्रेश मैंने करा, 700 पिक्सल मेरे पास आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, अब अगर मेरी स्क्रीन का साइज कम हो जाएगा, मतलब मेरी स्क्रीन अगर मोबाइल होगी या टैबलेट हो जाएगी या जो भी स्क्रीन मेरे पास होगी, अगर मैं उसका साइज कम करूंगा, ये देखें मैंने मैक्स विथ किसको कितनी दिए 700 पिक्सल, जो कि यहां तक आ रही है। अगर मैं अपनी स्क्रीन का साइज कम करूंगा तो ये क्या होगा, स्क्रीन के साथ साथ मेरे डिफ का भी साइज कम होता जाएगा, और मैंने इमेज को 100% विड्थ दिए तो उसके साथ साथ इमेज का साइज भी कम होता जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ, ये देखें डिव का साइज भी कम हो रहा है और इमेज का साइज भी कम हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ, ये देखें कि यहां तक आया और अब ये कम नहीं हो रहा। अब ये क्यों कम नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसको मिन विद दी हुई जो कि 200 पिक्सल है। मिन विद से इसको ये पता चल जाएगा कि भाई इतना छोटा हो जाए उसके बाद और कम नहीं करो। इसी तरह से मैं इसको जब बड़ा करता हूं तो ये बड़ा होता रहेगा और यहां आके रुक जाएगा। ये क्यों रुका है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे मैक्स विड्थ दी हुई जो कि 700 पिक्सल है। इसको पता चल गया कि इसको मैंने बताया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी 700 पिक्सल तक हो, उससे ज्यादा कोई बड़ी स्क्रीन आए तो वो बड़ी ना हो। तो इसके साथ साथ अगर मैं चाहूं कि अगर मेरे पास फुल स्क्रीन है डेस्कटॉप है तो मैं इसको और ज्यादा दे सकता हूं, मैंने इसको 1000 पिक्सल दे दिया तो ये पूरी स्क्रीन मेरी कवर कर लेगी, इससे ज्यादा भी मैं इसको दे सकता हूं और कम भी मैं जितना चाहे दे सकता हूं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, आप जब मोबाइल पे अपनी वेबसाइट को खोलेंगे देखेंगे जो इमेज आपने डेस्कटॉप के ऊपर बड़ी लगाई हुई होगी वही इमेज आपके मोबाइल के ऊपर छोटी नजर आ रही होगी, ठीक है। तो मैक्स विथ और मिन विथ से ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। बुक की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा दोबारा और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारे पास आ गई मिन हाइट एंड मैक्स हाइट। अब इन दोनों चीजों का क्या काम है ये भी मैं आपको बताता हूं। अभी हमने मिन विथ और मैक्स विथ देख ली, इसी तरह मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब मैं देखता हूं मिन हाइट और मैक्स हाइट, को भी बॉर्डर हम दे देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है जी। पहले इसको हम सिंपल चला के देख लेते हैं। अच्छा इमेज को अभी मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि इमेज हमारा काम जो है वो खराब कर रही है। मैंने रिफ्रेश करा, आप भी देख सकते हैं अभी जो हमारे पास डिव की विद आ रही है वो फुल है। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसको विद थोड़ी सी कम कर देता हूं, मैंने इसकी विथ कर दी 300 पिक्सल, ठीक है जी, मैंने विथ कम कर दी 300 पिक्सल, इसकी विथ आ गई। लेकिन अभी मैंने हाइट डिफाइन नहीं करी, अब मैं इसकी हाइट भी डिफाइन कर देता हूं। मैंने इसको बोल दिया हाइट 200 पिक्सल, हाइट मैंने इसकी कितनी दे दी 200, विथ मैंने इसकी कितनी दे दी 300। मैं इसको चला के देखता हूं क्या रिजल्ट आ रहा है। मेरी जो डिफ की जो हाइट थी वो बढ़ गई है और जो विथ थी वो कितनी है 300 पिक्सल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिलफर्स ये मैंने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई दी है कि इसकी जो डिफ का जो टेक्स्ट है वो यूजर खुद लिखेगा। जैसे कि आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट वगैरह करते हैं, अब फेसबुक को तो ये नहीं पता कि आप कितना टेक्स्ट उसमें लिखेंगे, बिल्कुल नहीं पता। आप अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट कम लिखता है पोस्ट के अंदर, कोई टेक्स्ट ज्यादा लिखता है, तो
तो फेसबुक इस चीज को किस तरह से कवर करता है हम ये देखते हैं मैक्स हाइट की तरह। अच्छा अब मसला क्या आ सकता है, मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और मेरे डिव की जो हाइट है वो है 200 पिक्सल। अब मैं अपने एचटीएमएल में आता हूं और डिव के अंदर का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा और मैं बढ़ा देता हूं, टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया। दोबारा से आगे मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं इसने क्या करा, डिव की जो हाइट है उससे टेक्स्ट को बाहर निकाल दिया। अब ये देखिए दिखने में भी काफी बुरा लग रहा है, डिजाइन थोड़ा सा अजीब हो गया। अब क्योंकि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने अपने डिव की हाइट डिफाइन कर दी कि इतनी हाइट हो, इससे ज्यादा नहीं हो। तो इसको कवर करने के लिए हम यूज करते हैं मिन हाइट एंड मैक्स हाइट। तो मिन हाइट में मैं इसकी बता दूंगा 200 पिक्सल, 200 पिक्सल मैंने इसकी मिन हाइट बता दी। अच्छा मिन हाइट तो ये होगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर कोई टैक्स आएगा वो ऑटोमेटिक हाइट इसकी बढ़ाता रहेगा, जितना भी टैक्स आएगा बढ़ाता रहेगा। ये देखें ये मैंने टैक्स ऐड करा, हाइट इसकी बढ़ गई। मैं एचटीएमएल में जाके थोड़ा सा टैक्स और ऐड कर देता हूं और रिफ्रेश करता हूं, ये देखें हाइट इसकी और बढ़ गई। तो जितना मर्जी इसमें मैं टैक्स ऐड करूंगा इसकी हाइट ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको ये भी यूजर को बताना हो कि मिन हाइट तो हमने देख लिया, लेकिन आपको कंडीशन लगानी हो कि मैक्स हाइट इसकी ये, इससे ज्यादा हाइट ना जाए, जितना भी टैक्स हो जाए इसकी मैक्स हाइट ये होनी चाहिए। तो मैक्स हाइट की आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, मैंने यहां पे आके बोला मैक्स हाइट 400 पिक्सल या 300 पिक्सल, मैंने इसको बोल दिया मैक्स हाइट इतनी हो और मिन हाइट 200 पिक्सल हो। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें इसने क्या करा, पहले था हमारे पास 200 पिक्सल, अगर उससे ज्यादा इसमें टैक्स आया तो उसने ऑटोमेटिक हाइट को बढ़ाया, लेकिन टैक्स उसमें इतना ज्यादा आ गया कि वो 300 पिक्सल से भी अबव चला गया। तो उसने क्या करा, डिफ की जो हाइट है उसको 300 पिक्सल पे लाके स्टॉप कर दिया और हमारे टैक्स को बाहर कर दिया। तो इस चीज को हम कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं मिन हाइट एंड मैक्स हाइट। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये चीज हमारे पास आ गई ओवरफ्लो। अब ये चीज हमारे पास जो थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है, इस चीज को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे ओवरफ्लो में। तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, फेसबुक में ऐसा पहले होता था, लेकिन अब इस तरह फेसबुक में नहीं होता, लेकिन कई और जगहों पर, काफी जगहों पर इस तरह होता है कि जब आपका कॉन्टेंट ज्यादा हो जाता है, आपका टैक्स ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या करता है, साइड में एक स्क्रॉल बना हुआ आ जाता है। आप एचटीएमएल की बॉडी में अगर देखें, मैं इसको देखें अगर रिफ्रेश जूम करता हूं तो ये देखें साइड पे स्क्रॉल आ रहा है। अब मैं स्क्रॉल करके इसको देख सकता हूं, ये क्यों, क्योंकि मेरी स्क्रीन का जो साइज है वो उसकी जो हाइट है वो पहले से डिफाइन हुई भी कितनी हाइट है, अगर उससे ज्यादा टैक्स जाता है तो यहाँ पे स्क्रॉल बना हुआ आ जाता है। तो इसी तरह से मैं चाहता हूं कि मेरे जो डिव का साइज है उससे ज्यादा टैक्स यहाँ पे आ जाए तो स्क्रॉल बना हुआ आ जाए। तो सीएसएस की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का अगर मैं स्क्रॉल दे दूंगा तो वो क्या करेगा, ये जितना भी टैक्स है ये डिव के अंदर ले जाएगा और ज्यादा टैक्स हो रहा है इस वजह से वो स्क्रॉल दे देगा। तो आइए चेक करते हैं ओवरफ्लो देके। मैंने सीएसएस में प्रॉपर्टी दी ओवरफ्लो और इसके अंदर मैंने बोल दिया स्क्रॉल। अब मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा ये जितना कॉन्टेंट मेरा डिव के बाहर आ रहा है ये डिव के अंदर चले जाएगा और डिव में एक स्क्रॉल जनरेट हो जाएगा जिसकी मदद से मैं पूरा टैक्स देख सकता हूं। मैंने रिफ्रेश करा, ये देखें आप डिव के अंदर एक स्क्रॉल बना हुआ आ गया, जब मैं इसको नीचे ला रहा हूं तो मुझे ये पूरा टैक्स दिखा रहा है। अब मैं जितना टैक्स इसमें चाहे मर्जी में ऐड कर सकता हूं, ये स्क्रॉल करके मुझे दिखाएगा। अच्छा इसके अलावा ओवरफ्लो की एक और प्रॉपर्टी कि आप चाह रहे हो कि अगर टैक्स ज्यादा हो जाए वो नजर ही ना आए, छुप जाए, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा ओवरफ्लो हिडन। तो ये क्या करेगा, स्क्रॉल नहीं लाएगा बल्कि जितना टैक्स डिव से ज्यादा हो रहा है, डिव की हाइट से ज्यादा हो रहा है, इसको रिमूव कर देगा। ये देखें बाकी का जो टैक्स है वो नजर ही नहीं आ रहा। तो इससे अच्छा ये है कि ओवरफ्लो स्क्रॉल हम यूज करेंगे ताकि अगर डिव का टैक्स जो है वो ज्यादा हो जाए तो स्क्रॉल हमारे पास आ जाए। तो स्क्रॉल यूज करना बेस्ट है, अगर हाइट से बाहर टैक्स जा रहा होगा तो स्क्रॉल हमारे पास आ जाएगा। तो ओवरफ्लो का हमारे पास ये फायदा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ गई है, बॉर्डर और बॉर्डर मार्जिन एंड पैडिंग। बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर आप लोगों ने टेबल में भी देखा होगा कि हर एलिमेंट को, टेबल के हर सेल को हम बॉर्डर दे रहे थे, टेबल को एक एट्रीब्यूट दे रहे थे बॉर्डर का, जिसकी मदद से वो क्या कर रहा था, वो हर एक सेल के ऊपर बॉर्डर ला रहा था। तो इसी तरह से हम
HTML के एलिमेंट के हर एलिमेंट के बॉक्स पे भी बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने div पे दिया है, मैंने जो रेड कलर दिया हुआ यहाँ पे, ये पूरा हमारे पास बॉर्डर है। ये बॉर्डर हम div पे भी अप्लाई कर सकते हैं, p पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इमेज पे भी कर सकते हैं, HTML के तमाम एलिमेंट्स पे, ऑल एलिमेंट्स पे ये अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर। इसके अलावा हमारे पास है मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग किस तरह काम करते हैं, अगर आपको याद हो जब हम HTML टेबल पढ़ लेते उसमें दो हमारे पास एट्रीब्यूट थे, एक था सेल स्पेसिंग और दूसरा था सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। वो क्या करता है, सेल स्पेसिंग क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में स्पेस क्रिएट करता है, ऐसा ही है। और सेल पैडिंग क्या करता है, सेल का टेक्स्ट और उसका बॉर्डर, उन दोनों के दरमियान स्पेस क्रिएट करता है। तो इसी तरह से हमारे पास, हाँ पेंट में मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये मैंने पेंट खोल लिया, तो मेरी ड्राइंग जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन आप काम चलाइएगा। यहाँ पे मैंने ये एक बॉक्स बना लिया जो कि हमारा फर्ज करें एक डिव है, और इसके अंदर मैंने एक और डिव बना लिया जो कि हमारा पैराग्राफ है, ठीक है जी। बल्कि जो मैंने फर्स्ट वाला डिव बनाया ये है हमारी बॉडी, ठीक है, और जो सेकंड वाला मैंने डिव बनाया वो है हमारा डिव, और उसके अंदर मैं एक और बॉक्स बना देता हूं, ये है हमारे पास पैराग्राफ। अच्छा, इन सबको मैं अलग अलग कलर भी दे देता हूं ताकि हमें आसानी हो समझने में। मैं बॉडी को कलर दे देता हूं ये वाला, और मैं डिव को कलर दे देता हूं ये वाला, और पैराग्राफ को कलर दे देता हूं ये वाला। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको सही से पता चल जाए कि कौन सा पैराग्राफ है और कौन सा डिव है। ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब पैराग्राफ जो है वो इस डिव के अंदर है, कलर थोड़ा सा खराब हो गया तो हम दोबारा से कर देते हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ आ गया, और पैराग्राफ के जो टेक्स्ट के दरमियान, जो टेक्स्ट से और बॉर्डर के दरमियान जो है वो है हमारी पैडिंग। यहां पे मैं बना देता हूं, ये है हमारी पैडिंग। हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं, अब ये जो मैंने कलर बनाया हुआ है ये बॉर्डर बना देते हैं और ये पैडिंग बना देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया पैडिंग, ये हो गया हमारे पास पैडिंग, और एक और हम टेक्स्ट यहाँ पे बना देते हैं, ये है हमारा बॉर्डर, ये हो गया हमारे पास बॉर्डर, और ये लास्ट वाला ऊपर हमारे पास हो गया मार्जिन। तो इससे हमें ये पता चल रहा है जो जो पैराग्राफ का हमारा टेक्स्ट है, जो हमारे पास पैराग्राफ का टेक्स्ट है उसके और हमारे बॉर्डर के दरमियान, ये हमारा बॉर्डर है, ये पूरा हमारे पास बॉर्डर है, और ये हमारा टेक्स्ट है जिसमें मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है वो कहलाती है पैडिंग, और बॉर्डर के बाहर, बॉर्डर के बाहर की जो स्पेस है जो दूसरे एलिमेंट तक जा रही है या फिर बॉडी से बॉडी तक जा रही है वो हमारे पास कहलाती है मार्जिन। तो अभी मैं आपको बना के भी दिखाता हूं, जब हम डिव बनाते हैं तो ब्राउजर के अंदर भी एक ऐसा ऑप्शन होता है जो आपको बता रहा होता है कि क्या बॉर्डर है, क्या पैडिंग है और कौन सी चीज हमारे पास मार्जिन है। तो वो वहां पे भी हम देख लेते हैं बना के। मैं अपने फाइल में आ जाता हूं, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूं, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको भी थोड़ा सा कम कर देता हूं ताकि समझ में आसानी हो। यहाँ पे आके मैं CSS लगाता हूँ मैन के ऊपर जो कि हमारा डिव है, इसको मैंने बॉर्डर दे दिया, ठीक है जी। ये हमारे पास हमारा डिव आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ और थोड़ा सा थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर भी साथ में दे देता हूँ। मैं डिव को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रॉयल ब्लू, एंड पी को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि समझ में आसानी हो जाए, ये ब्राउन, ठीक है। तो अब मैं आगे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास
पी कौन सा है, पैराग्राफ कौन सा है और डिव कौन सा है। जिसका कलर हमारे पास रॉयल ब्लू है वो है हमारा डिव, जिसका कलर हमारे पास ब्राउन है वो है हमारा पैराग्राफ। अब ये जो पैराग्राफ है, अच्छा पैराग्राफ को भी मैं बॉर्डर देता हूं ताकि समझने में और आसानी हो जाए। इसके बॉर्डर का जो कलर है वो मैं दे देता हूं ब्लू। ठीक है जी, ब्लू जो बॉर्डर आ रहा है थोड़ा सा मैं बॉर्डर का साइज बढ़ा दूं, 5 पिक्सल में इसको कर देता हूं। अच्छा बॉर्डर भी मैं भी आपको समझाऊंगा कि किस तरह से वर्क करता है। ये मेरे जो रेड कलर का जो बॉर्डर है ये मेरे डिव का बॉर्डर है, और ब्लू कलर का जो बॉर्डर है ये मेरे पैराग्राफ का बॉर्डर है। अब मैं पैडिंग देने जा रहा हूं अपने पैराग्राफ को, तो अभी देखिएगा आप कहां पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं पैराग्राफ में आ जाता हूं सीएसएस के अंदर और यहां पे मैं लिखता हूं पैडिंग, और इसमें मैं दे देता हूं 10 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश करने पे क्या होगा, ये जो ब्लू कलर का बॉर्डर है इसके और टेक्स्ट के दरमियान में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। मैंने जैसे ही रिफ्रेश करा तो ये देखें, ये जो ब्लू कलर का मेरा बॉर्डर था इसके और जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके जो बीच में जो स्पेस है ये हमारी पैडिंग है। अगर मैं आपको डेवलपर टूल खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे ये डायग्राम बनी हुई आ रही होती है जो आपको बताती है कि क्या हमारे पास मार्जिन है और क्या पैडिंग है। ये देखें पैडिंग ये है, मैं जब पैडिंग पे आगे क्लिक करता हूं तो ये पैडिंग वाला जो एरिया है उसको हाईलाइट कर देता है कि ये पैडिंग है। अगर मैं मार्जिन पे क्लिक करूं तो मार्जिन मैंने अभी कहीं पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मार्जिन है जो कि डिव का है। जब हम डिव बनाते हैं और डिव के अंदर कोई चीज रखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो थोड़ा सा मार्जिन देता है। तो मैं एक काम ये करता हूं, पैराग्राफ को भी थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूं ताकि हमारे को और आसानी हो जाए देखने में। मार्जिन मैंने इसको बोला 10 पिक्सल। मैंने रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या करा, अभी जो इस रॉयल ब्लू कलर आ रहा है अच्छा ठीक है, मैं काम ये करता हूँ इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ये देखें ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, देखें आप सबको क्लियर नजर आ रही होगी, ये ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट हमारे पास स्टाइल के अंदर मौजूद होती है जो बता रही होती है हमारे पास क्या मार्जिन है क्या हमारे पास पैडिंग है। तो जब मैं पैडिंग पे अपने माउस लेके आता हूँ, पहले मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक कर देता हूँ और जब मैं इसको पैडिंग देखना चाहूं तो ये देखें, जब मैंने इस पैडिंग के ऊपर ओवर करा तो इसने कहां पे मुझे हाईलाइट करा, जो मेरा टेक्स्ट है और पी का जो ब्लू कलर का बॉर्डर है उनके बीच का जो स्पेस है वो है पैडिंग। इसी तरह से अगर मैं मार्जिन पे अगर ओवर करूं तो मार्जिन ये कहां पे हाईलाइट कर रहा है, जो मेरे ब्लू कलर का जो बॉर्डर है जो पी का है उसके बाहर का जो स्पेस है वो है मेरा मार्जिन। अभी मैं इसको यहां से बढ़ा के दिखाता हूं आपको और आइडिया हो जाएगा। मैंने पी को सेलेक्ट करा और यहाँ पे देखें मार्जिन अभी 10 पिक्सल है। पहले मैं पैडिंग को बढ़ा देता हूँ, पैडिंग में देखें बढ़ा रहा हूँ तो कहाँ पे स्पेस मेरे पास बढ़ रहा है, जो मेरा ब्लू कलर का जो बॉर्डर है उसके और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस ज्यादा हो रहा है। मैं अगर थोड़ी सी और पैडिंग ज्यादा कर दूं, जितनी मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा ये बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं मार्जिन की बात करूं, जब मैं मार्जिन बढ़ाऊंगा तो ब्लू वाला जो मेरे पास बॉर्डर है मतलब पैराग्राफ के बाहर जो दूसरे एलिमेंट के बीच का स्पेस है उसके दरमियान स्पेस क्रिएट करता है जो हमारा मार्जिन है। मैं इसको अगर बढ़ाऊं तो ये देखें आप यहाँ पे जो स्पेस है रॉयल ब्लू कलर जो है मेरा डिव का उसको उसका साइज जो ही बढ़ा रहा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो ये सही से आपको समझ में नहीं आएगा, और उम्मीद करता हूँ काफी लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और आगे इसमें बढ़ते हैं, आगे इसको थोड़ा सा और अच्छा तरीके से बुक में बताया हुआ है। देखें यहाँ पे इन्होंने 3 डिव बनाए हुए, वाइट स्पेस एंड वर्टिकल मार्जिन, यहाँ पे इन्होंने 3 डिव बनाए हुए। पहली डायग्राम में आप देखें कि क्या हो रहा है, एक डिव है उसको बॉर्डर इन्होंने दिया हुआ ऑरेंज कलर का और उसके अंदर जो है पैराग्राफ है, दूसरा डिव है और उसके बाद तीसरा डिव है। इन तीनों डिव के बीच में स्पेस आ रहा है, ये देखें ये जो फर्स्ट वाला डिव है इसके बीच में स्पेस आ रहा है, सेकेंड वाला जो है सेकेंड और फर्स्ट इन दोनों के बीच में स्पेस है, और थर्ड वाला और सेकेंड वाला इन दोनों के बीच में भी स्पेस है। लेकिन अगर आप विदाउट मार्जिन एंड पैडिंग देखें जो कि राइट साइड वाले डायग्राम है, ये थोड़ी सी अजीब लग रही है,
ना इसमें पैडिंग दी हुई है ना इसमें मार्जिन दिया हुआ है, तो इससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि मार्जिन पैडिंग अगर हम लगाएं तो किस तरह से हमारे पास रिजल्ट आता है, और अगर मार्जिन पैडिंग हम हटा दें तो किस तरह से हमारे पास रिजल्ट आता है। अब अगर हम मार्जिन नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, हर डिप एक आपस दूसरे डिप से आपस में पूरा चुपक सा जाएगा, मतलब उसमें मिल जाएगा। अगर हम मार्जिन देंगे तो उससे थोड़ा सा हटके नजर आएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा, तो मार्जिन और पैडिंग का यूज यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अच्छा बॉर्डर अभी हम देख लेते हैं कि बॉर्डर हम किस तरह कंट्रोल करते हैं। बॉर्डर की विड्थ जो है हम बढ़ा सकते हैं, मैंने अभी पी से जो है वो सब चीजें हटा दी और रिफ्रेश करा, ये देखें रेड कलर का जो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे डिफ के ऊपर, ये हमारा बॉर्डर है। अगर मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी हो तो हमारे पास सीएसएस में एक प्रॉपर्टी मौजूद है बॉर्डर विड्थ के नाम से, बॉर्डर विड्थ मैंने इसको बोला 5 पिक्सल, मैंने रिफ्रेश करा। अच्छा अभी मैंने ऊपर डिफाइन करी हुई तो इस वजह से ये विड्थ नहीं दे रहा, ऊपर से मैं हटा देता हूं। अब मैंने इसको विड्थ बोला 5 पिक्सल, तो इसने काफी ज्यादा छोटी कर दी। अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये देखें ये बढ़ भी जाएगा, 20 करा। अच्छा ये मैं देख लेता हूँ, क्या पता ये अलग अलग यूज करनी हो। अच्छा ये मैं हटा रहा हूँ और मैं फिर देखता हूँ विथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा बॉर्डर विड्थ जो है वो हमारे पास चल नहीं रही है, तो आगे हम देखते हैं क्या पता ये भी ओल्ड हो गई हो, क्योंकि अब जो बॉर्डर है वो शॉर्ट हैंड लिखा जाता है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी सीएसएस की हमारे पास आ रही है जो कि बॉर्डर है, और इसी में हम विड्थ भी बता देते हैं, इसी में हम स्टाइल भी बता देते हैं, और इसी में हम कलर भी बता देते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी थी कि सब चीजें अलग अलग करके बताओ, बॉर्डर की विड्थ अलग बताओ और बॉर्डर का कलर अलग बताओ और बॉर्डर की जो स्टाइल है वो अलग बताओ, तो वो पहले होता था। अब जो है हमारे पास शॉर्ट हैंड आ गया है, एक ही प्रॉपर्टी में पूरा काम हो जाता है। मैंने दिया बॉर्डर, सबसे पहले मैंने उसकी बता दी विथ, मैंने बोला 5 पिक्सल, उसके बाद मैंने बता दिया उसका स्टाइल। अच्छा स्टाइल कौन कौन से हमारे पास है ये आगे मौजूद है, मैं आपको बताता हूँ। जिनमें से एक स्टाइल हमारे पास है सॉलिड, सॉलिड क्या करता है बिल्कुल एक लाइन की तरह एक बॉर्डर बना देता है, और थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो इसमें पूछती है कलर, कि बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, तो मैं इसको बोल देता हूँ रेड। तो बॉर्डर की एक हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जिसमें कलर विथ और स्टाइल तीनों कवर हो जाते हैं, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज करने के बजाय हम ये वाली अब यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश करा, ये देखें इसने बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर की विथ 5 पिक्सल है, बॉर्डर का कलर जो है वो रेड है, और बॉर्डर का स्टाइल जो है सॉलिड है। स्टाइल बॉर्डर का कौन कौन सा है वो हम आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी विथ बढ़ा दू, मैंने यहाँ पे दी हुई है 5 पिक्सल, मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, तो आप देखेंगे इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। ये देखें आप इसकी जो इसका जो साइज है इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ गई है, तो जितनी मर्जी चाहे मैं इसको रख सकता हूँ। मैं अगर दे दूँ 20 तो ये और ज्यादा थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आगे हम देखते हैं बॉर्डर की और क्या क्या हमारे पास, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है बॉर्डर स्टाइल, ये भी पहले अलग से लिखी जाती थी, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अब एक ही प्रॉपर्टी में पूरा काम हो जाता है। अब बॉर्डर स्टाइल हमारे पास कौन कौन सा है, हमारे पास सॉलिड है जो कि एक लाइन है, उसके बाद हमारे पास डॉटेड है जो कि डॉट आ जाते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास डैशेड है, डैशेड में क्या होता है काफी सारे डैश हमारे पास बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास डबल है जिससे डबल बॉर्डर आ जाएगा, ग्रुप है, रिज है, इनसाइड है, आउटसाइड है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है, आप लोग यूज करके देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको एक यूज करके दिखा देता हूं जो कि डैशेड है। मैं यहां पे आया, मैंने सॉलिड की जगह लिख दिया डैशेड, तो अब देखें हमारे बॉर्डर का स्टाइल जो है वो डैशेड हो गया, डैश हमारे पास आ गए। तो इसी तरह से हमारे पास काफी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज हैं, आप बुक में से देख सकते हैं। अच्छा इसी तरह से अब बॉर्डर कलर आ गया, ये भी अलग से एक प्रॉपर्टी थी जिसको हमने अब शॉर्ट हैंड करके एक साथ लिख दिया, बॉर्डर उसकी विड्थ उसका स्टाइल और उसका कलर। तो ये प्रॉपर्टी अब हम यूज करते हैं जो एक ही प्रॉपर्टी में सारा काम हमारा हो जाता है। अच्छा ये आगे भी आगे हमें यही चीज बता रहे हैं कि शॉर्ट हैंड बॉर्डर के एक ही प्रॉपर्टी में किस तरह से हम बॉर्डर को लिख सकते हैं, ये मैंने अभी आपको करके दिखा दिया है। अच्छा पैडिंग, पैडिंग मैंने आपको बता दी है कि
टैक्स और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस होती है वो पैडिंग होती है, मार्जिन हमारा जो एलिमेंट है उसके मतलब दूसरा एलिमेंट और हमारा दो एलिमेंट हमारे एक साथ हैं, दो एलिमेंट के दरमियान में जो स्पेस होती है वो कहलाता है मार्जिन। अच्छा सेंटरिंग कंटेंट, किस तरह से हम कंटेंट को सेंटर करते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है सीएसएस में। अच्छा काफी जगहों पे आपने देखा होगा कि कोई बोल रहा था इमेज सेंटर नहीं हो रही, कोई बोल रहा था डिव सेंटर नहीं हो रहा, तो सीएसएस में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मार्जिन की। अच्छा मार्जिन भी शॉर्ट हैंड है, मार्जिन की भी पहले अलग से प्रॉपर्टीज आती थी कि मार्जिन टॉप, अच्छा वो अब भी चलती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, जिसमें हम इसको बता देते हैं। ये देखें मैंने लिखा मार्जिन और मैंने लिखा 10 पिक्सल, मैंने लिखा 5 पिक्सल, मैंने लिखा 10 पिक्सल और 5 पिक्सल। ये चार प्रॉपर्टीज लेता है मार्जिन, जिसमें टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये चारों प्रॉपर्टी एक साथ लेता है कि टॉप से मार्जिन कितना रखना है, राइट से मार्जिन कितना रखना है और बॉटम से कितना रखना है और लेफ्ट से कितना रखना है। ये चारों प्रॉपर्टी हम एक साथ भी दे सकते हैं। इसी तरह से पैडिंग में भी ये चारों प्रॉपर्टी एक साथ भी दे सकते हैं कि पैडिंग टॉप से कितनी रखनी है, राइट से कितनी रखनी है, बॉटम से कितनी रखनी है और लेफ्ट से कितनी रखनी है। तो सीएसएस ने हमारे को एक प्रॉपर्टी दी हुई है अगर हम कंटेंट को सेंटर करना चाह रहे हैं। अच्छा सेंटर जब हम करते हैं, जब हमारे जो डिव का साइज है वो एक स्पेसिफिक हो। अभी तो देखिए फुल साइज है, अगर मैं आपको बोलूं कि 100% इसका साइज है इसको सेंटर करो, तो ये तो नामुमकिन वाली बात हो गई कि उसका तो फुल साइज है उसको सेंटर हम कर ही नहीं सकते। तो अगर मैं इसकी हाइट कर दूं 50%, सॉरी विथ, अगर मैं इसकी विथ कर दूं 50%, तो इसका जो साइज है वो स्क्रीन से हाफ हो जाएगा। अब मैं बोलूं कि ये जो डिव है इसको मैं सेंटर लाऊं, तो अब देखा जा सकता है हाँ भाई सेंटर ये आ सकता है। तो सीएसएस ने हमारे को एक प्रॉपर्टी दी हुई है मार्जिन, जिसमें इन्होंने हमने टॉप का बता दिया 10 पिक्सल, हमने राइट का बता दिया ऑटो, बॉटम का बता दिया 10 पिक्सल और लेफ्ट का ऑटो। अगर हम दोनों साइड से ऑटो कर देंगे तो हमारा जो डिव जो है वो सेंटर आ जाएगा। एक ये तरीका है सीएसएस में सेंटर करने का। और टेक्स्ट, अगर हमें टेक्स्ट सेंटर करना हो तो टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसके अलावा एक और तरीका है वो आगे जाके मैं आपको बताता हूं। अभी मैं क्या करूंगा, मार्जिन 10 पिक्सल टॉप राइट से ऑटो, बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट से ऑटो। मैंने राइट से लिख दिया ऑटो और लेफ्ट से भी लिख दिया ऑटो, तो इसको चला के देखते हैं। ये देखें अब हमारा जो डिव है सेंटर में आ गया, राइट से मार्जिन इसने ऑटो कर दिया और लेफ्ट से भी मार्जिन ऑटो कर दिया और हमारे डिव को सेंटर में ले आया। एक ये तरीका है सेंटर लाने का। वरना अगर ये भी आपको शॉर्ट हैंड करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपने विथ दी 50%, इसके अलावा अगर आप लिख देंगे मार्जिन 0 ऑटो, इससे भी सेम काम होना है कि ये आपकी जो डिव है उसको सेंटर में ले आएगा। रिफ्रेश करा, ये देखें सेंटर है। या आप मार्जिन 0 ऑटो यूज कर लें, या आप टॉप बॉटम को मार्जिन देके राइट और लेफ्ट से ऑटो कर दें, तो हमारा जो डिव है वो सेंटर में आ जाएगा। डिव के अंदर आपको जो मर्जी चाहे आप रख लें, आप डिव के अंदर फॉर्म रख लें वो सेंटर हो जाएगा, डिव के अंदर अगर आपने कोई इमेज रखी हुई है वो सेंटर हो जाएगी। तो डिव को अगर आपको सेंटर करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये इन्होंने कुछ बॉक्सेस बना के दिखाए हुए ऊपर, ये जो दो डिव बनाए हुए हैं उनके आपस में पैडिंग और मार्जिन दिया हुआ है और बॉर्डर लगाया हुआ है जो कि रॉयल ब्लू कलर का है। अगर मार्जिन को 400 से ऑटो करें क्या होगा, मार्जिन को चार से ऑटो कर दें तो एक ही बात रहेगी, वो सब तरफ से ऑटो कर देगा, सेंटर ही रहेगा। ये मैंने शॉर्ट प्रॉपर्टी रखी है ना 0 ऑटो, इसका मतलब ये कि एक साइड से 0 करो और ऑटो कर दो। अगर हम ऑटो भी करेंगे तो वो एक ही बात रहेगी। अच्छा अब हमारे पास आया था है डिस्प्ले, चेंजिंग इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले। आप लोगों को याद होगा एचटीएमएल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास HTML की जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ इनलाइन होते हैं और कुछ ब्लॉक लाइन होते हैं। अब मसला ये आता है हमारे पास जो UL है, UL और LI। अब आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि हमारे पास UL LI जो है वो इनलाइन एलिमेंट्स है या फिर ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है। कमेंट करके आप लोग बताएं कि LI जो है वो ब्लॉक लाइन है या इनलाइन है। अच्छा तो
यूएल के अंदर जो एल आई हम लिखते हैं वो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अच्छा, अब सीएसएस में एक हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि डिस्प्ले है। अगर हमें क्या करना हो कि कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसको इनलाइन बनाना हो, जैसे कि एल आई जो है हमारा वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और आपने देखा होगा कि काफी वेबसाइट में नेविगेशन के अंदर, मतलब ऊपर जो हमारे पास मेन्यू आ रहा होता है, इनलाइन जो आ रहा है वो गलत है। इनलाइन अभी हम इसको करेंगे, लेकिन यूएल और एलआई जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, तो नेविगेशन में ये यूज होते हैं। ऊपर आपने देखा होगा हर वेबसाइट में जब आप फेसबुक यूज करते हैं तो ऊपर आपको प्रोफाइल पे जाना हो तो आप प्रोफाइल के मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, अगर आपको होम पे जाना हो आप होम पे क्लिक कर देते हैं, तो उसको हम नेविगेशन बोलते हैं, जो यूएल और एलआई से, एलआई के जरिए बनती है। तो एलआई जो है वो ब्लॉक है, तो उसको इनलाइन बनाने के लिए सीएसएस में एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन। अगर कोई भी हमारा ऐसा एलिमेंट हो जो जिसका डिस्प्ले ब्लॉक हो, आइए इसको यूज करके हम देख लेते हैं। मैंने दो डिव बना दिए, इसी डिव को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूं, एक ये डिव हो गया एक ये डिव हो गया। मैंने एक को आईडी क्लास दे दी मैन, इसको मैं दे देता हूं मैन 1, और दोनों को मैं ये एक ही स्टाइलिंग दे देता हूं। मैन को भी सेम स्टाइल दे दिया और मैन 1 को भी सेम स्टाइल दे दिया। मैं आता हूं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूं, ये देखें क्या हुआ, दोनों डिव जो है वो ऊपर नीचे आ गए और एक डिव हमारा ऊपर आ गया एक डिव हमारा नीचे आ गया। अच्छा, अभी मैं मार्जिन ऑटो हटा रहा हूं ताकि हमारे को प्रॉपर नजर आ जाए। देखें, एक डिव ऊपर आ रहा है, दूसरा डिव नीचे आ गया। दूसरा वाला डिव नीचे क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि ऊपर वाले जो डिव है वो हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है? तो इसी वजह से जब दूसरी चीज लिखते हैं, दूसरा एलिमेंट हम लिखते हैं, वो नीचे आ जाता है। थोड़ी सी मैं विड्थ कम कर देता हूं ताकि और अच्छा नजर आ जाए। तो ये देखें, एक डिव ऊपर आ रहा है, दूसरा डिव नीचे आ रहा है। अब डिव जो है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब मैं सीएसएस से चाहता हूं कि इसको इनलाइन बना दूं, दूसरा डिव जो मैंने नीचे लिखा है वो इसके बराबर से ही शुरू हो, बल्कि दूसरी लाइन से शुरू ना हो। तो मैं सीएसएस में आऊंगा और मैं इसको कर दूंगा डिस्प्ले इनलाइन। जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले इनलाइन करा, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश करा, अच्छा वो इनलाइन हुआ, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो भी काफी आगे निकल गया, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। तो अगर हम पैराग्राफ के ऊपर ये यूज करना चाहें तो वो अच्छा हो जाएगा। देखते हैं, दो पैराग्राफ मैंने बना लिए। अच्छा, एक काम करते हैं, इसकी जो एग्जाम्पल जो दी हुई है लिस्ट, हम उसी के ऊपर इसको यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एक नेविगेशन बना रहा हूँ जो कि हर वेबसाइट में होती है। मैंने यहाँ पे यूएल बनाया, यूएल के अंदर मैंने एलआई बना दिया, इसके अंदर मैं लिख दिया होम, फिर मैंने एक और एलआई बना दिया उसके अंदर मैं लिख दिया अबाउट, फिर मैंने एक और एलआई बना दिया उसके अंदर मैंने लिख दिया न्यूज, एक और एलआई बनाया उसके अंदर मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट। ये मेरी पूरी नेविगेशन बन गई। अभी मैं इसको ब्राउजर पे रन करता हूँ, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये देखें किस तरह से मुझे नजर आ रही है, होम आ रहा है, उसी के नीचे अबाउट आ रहा है, उसी के नीचे न्यूज आ रहा है, उसी के नीचे कॉन्टेक्ट आ रहा है। लेकिन नेविगेशन जब हम बनाते हैं वो एक ही लाइन में हमें रखनी होती है जो कि टॉप के ऊपर होती है। तो हम क्या करेंगे, एलआई को सीएसएस के जरिए डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे जो कि अभी ब्लॉक लेवल आ रहा है। सीएसएस में हम आएंगे, हम बोलेंगे एलआई और डिस्प्ले इनलाइन। अब ये क्या करेगा, एक ही लाइन में सारे एलआई को ले आएगा। ये देखें, होम आ गया, होम के बाद अबाउट आ गया, न्यूज आ गया और कॉन्टेक्ट आ गया, मतलब जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स थे सबको इसने इन लाइन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से जो इन लाइन एलिमेंट है उसको ब्लॉक लाइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इन लाइन हमारे पास कौन कौन से, स्पैन है, इमेज है, और इसके अलावा काफी सारे हमारे पास इन लाइन भी, उसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी, अच्छा नन भी है, डिस्प्ले नन अगर हम करते हैं तो वो बिल्कुल गायब हो जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया हुआ है, यहाँ पे देखें मैंने यूएल बनाया हुआ है, अगर मैं यूएल को जाके कर दूंगा, एलआई को जाके कर दूंगा डिस्प्ले नन, तो जितने भी मेरे पास एलआई है सबको गायब कर देगा। रिफ्रेश करा, एलआई नजर ही नहीं आ रहा, डिस्प्ले नन कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। ऐसे समझ लिया एक तरह से हमने कमेंट ही कर दिया,
डिस्प्ले नन करा, उसने गायब कर दिया। इसी तरह से हमारे पास एक इसकी वैल्यू है इनलाइन ब्लॉक, एक होगा इनलाइन दूसरी होगा ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या करता है कि अगर कोई डिव है हमारे पास या कोई एलआई है उसके ऊपर हमने स्टाइलिंग दी हुई है, उस पर मार्जिन दिया हुआ है, पैडिंग दी हुई है या उसको हाइट दी हुई है या कुछ भी स्टाइल हमने दिया हुआ है, तो अगर हम जैसे कि मैं एलआई को अगर स्टाइल दूं, एलआई को मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर ये और हाइट मैंने इसको दे दी 20 पिक्सल, तो अभी देखते हैं किस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो ये देखें मैंने इसको हाइट दे दी और बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया और थोड़ा सा इसको मार्जिन और पैडिंग भी मैं दे देता हूँ। मैंने लिखा पैडिंग 10 पिक्सल, मार्जिन 5 पिक्सल, ठीक है। मैंने इसको पैडिंग भी दे दी और मार्जिन भी दे दिया। अब मैं इसको प्रॉपर्टी दे रहा हूं डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन करा, क्या करेगा सबको इनलाइन कर देगा। और अभी ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मैंने रिफ्रेश करा सबको इसने इनलाइन कर दिया। अब मैं इसको दे रहा हूं इनलाइन ब्लॉक, ये क्या करेगा जो मैंने इसमें मार्जिन दिया हुआ था, इसको हाइट दी हुई थी, पैडिंग दी हुई थी, उसको बरकरार रखेगा और साथ साथ इनलाइन भी कर देगा। जितनी भी इस पे स्टाइलिंग हुई भी सबको रखेगा और साथ में इनलाइन भी कर देगा। देखिए अगर मैं सिर्फ इनलाइन करूंगा ना, आप अभी फर्क देखेंगे थोड़ा सा ऊपर चले आएगा, जो इसका जो हाइट है वो कैंसिल कर देगा, हाइट हटा देगा और इसको इनलाइन कर देगा। मैंने जैसे इसको रिफ्रेश करा ये देखें ऊपर हो गया, इसने हाइट वगैरह सब हटा दी। बट इनलाइन ब्लॉक में और इनलाइन में सिर्फ इतना ही फर्क है। और इनलाइन ब्लॉक हम कहीं काफी कम जगहों पर यूज करते हैं, ज्यादातर हम डिस्प्ले इनलाइन ही यूज कर रहे होते हैं। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है विजिबिलिटी। ये क्या करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन क्या कर रहा था, जो कि हमारा एलिमेंट है एलआई, अगर मैं इसको दे दूंगा डिस्प्ले नन, ये इसको हटा देगा, गायब कर देगा, हटा दिया। तो इसी तरह से हमारे पास एक प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी और उसकी दो वैल्यूज है, एक हिडन है और एक विजिबल। ये क्या करेगा उसको वहां से हटा तो देगा। अब मैं आता हूं यहाँ पे अपने एचटीएमएल में और अबाउट वाला जो एलआई है इसको मैं दे देता हूं क्लास, क्लास इसको मैंने दे दिया हाइट, हाइट नाम से इसको मैंने क्लास दे दी और सीएसएस में मैं आया मैंने लिखा डॉट हाइट विजिबिलिटी हिडन। अब ये क्या करेगा सब एलआई दिखेंगे, सिर्फ एक एलआई हाइड हो जाएगा जो कि अबाउट वाला है। मैं आता हूं ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूं, ये देखें होम आ रहा है, न्यूज आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है, होम के बाद जो अबाउट था वो हट गया। अब डिस्प्ले नन में और विजिबिलिटी हिडन में क्या फर्क है, मैं अगर डिस्प्ले नन करता तो इसका जितना भी स्पेस है, अभी देखें होम न्यूज, होम के बाद इतना सारा स्पेस क्यों आ गया, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ मौजूद है लेकिन वो हाइड हुआ है। हाइड में और रिमूव में काफी फर्क है। तो इस विजिबिलिटी हिडन से हमें पता चल रहा है कि यहां पे कोई चीज मौजूद है जो कि अभी नजर नहीं आ रही। अगर मैं इसको दे दूंगा डिस्प्ले नन, तो ये देखें मैंने इसको बोला डिस्प्ले और वैल्यू में मैंने इसको बोल दिया नन, तो ये इसको रिमूव कर देगा और जो इसकी स्पेस है वो भी हटा देगा। अच्छा नॉट लिख दिया मैंने, डिस्प्ले नन, इसको इसने रिमूव कर दिया और इसकी स्पेस को भी हटा दिया। होम के बाद डायरेक्टली इसने दे दिया न्यूज एंड कॉन्टेक्ट। तो विजिबल विजिबिलिटी हिडन में और डिस्प्ले नन में ये फर्क है। तो अगर हम इसको विजिबिलिटी विजिबल कर देंगे तो वो जो हिडन हुआ होगा वो नजर आ जाएगा। अच्छा बॉर्डर इमेजेस, जिस तरह से हमने देखा बॉर्डर के काफी सारे स्टाइल मौजूद थे हमारे पास, सॉलिड था, डैशेड था, डॉटेड था, काफी सारे स्टाइल मौजूद थे, इस तरह से हम बॉर्डर में इमेज भी दे सकते हैं। ये भी ओल्ड हो गया, ये अब इतना यूज नहीं होता, आपको इस तरह की ड्राइंग वगैरह वाली कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो उसमें यूज होगा, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें देखी जाती हैं। इमेज का जो साइज है वो बॉर्डर जितना ही होना चाहिए, अगर इमेज का साइज बड़ा हुआ तो ये मसला करेगा, अगर इमेज का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया फिर भी मसला करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इमेजेस यूज करके दिखाया हुआ है बॉर्डर इमेज, तो मैं देखता हूँ गूगल से शायद छोटी इमेज कोई मिल जाए तो मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। का यूज़
अच्छा ये मैं एक लाइन उठा लेता हूँ, ये देखें ये बॉर्डर्स अच्छे अच्छे आ गए, तो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मसला ये होता है, अब इस इमेज का जो साइज है वो काफी बड़ा है, अगर मैं इसको लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, पूरी जगह कवर कर लेगा और अजीब नजर आने लगेगा। लेकिन मैं फिर भी एक आपको यूज करके दिखा देता हूँ। मैंने कॉपी इमेज एड्रेस करा और मैं अपने मैन में आके बोलता हूँ, अच्छा मैन मैंने शायद हटा दिया, फिर मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ। कुछ टेक्स्ट मैंने इसके अंदर लिख दिया और इसको मैंने दोबारा से क्लास दे दी मैन, और मैं इसको दे रहा हूं यहां पे आके डॉट मैन बॉर्डर इमेज यूआरएल, और यूआरएल के अंदर जो मैंने गूगल से यूआरएल कॉपी करा था वो पेस्ट कर दिया। तो देखते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं। मैंने रिफ्रेश करा और ये मुझे नजर नहीं आ रहा, तो ये भी ओल्ड हो गया, इस वजह से काफी अब यूज नहीं होता है। मैन को मैंने बॉर्डर इमेज दिया है लेकिन ये चल नहीं रहा है क्योंकि ये काफी ओल्ड हो गया, इस वजह से ये लोग यूज भी नहीं करते। तो क्योंकि हमारे पास जो ब्राउजर है क्रोम, ये काफी अपडेट हो चुका है, ये पुरानी चीजें यूज नहीं कर रहा। अगर आप इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह पे चलाएं तो शायद ये चल जाए, और क्या पता इसका मैंने स्टाइल नहीं दिया हो इस वजह से ये नहीं चल रहा। तो इसका स्टाइल भी हम देख लेते हैं एक दफा, क्या पता चल जाए। नहीं ये नहीं चल रहा है, ये मेरे ख्याल से शायद रिमूव कर दिया है, पुराना हो गया इस वजह से। आगे हम बढ़ते हैं बॉक्स शेडो। जिस तरह से हमने टेक्स्ट शेडो पढ़ा था पिछले चैप्टर में, टेक्स्ट शेडो क्या कर रहा था, टेक्स्ट के ऊपर अगर हमें शेडो देना हो तो हम यूज करते हैं टेक्स्ट शेडो, और जो प्रॉपर्टीज वो ले रहा था। मैं यहाँ पे आता हूँ और HTML से ये एलिमेंट रिमूव करके एक हेडिंग बना लेता हूँ H1, इसको मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। और इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ H1 को, मैं स्टाइल दे रहा हूँ कलर, कलर में मैं इसको दे रहा हूँ ब्राउन, ठीक है। और इसको मैं टेक्स्ट शेडो दे रहा हूँ अभी। टेक्स्ट शेडो में पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या करती है, लेफ्ट टू राइट देखती है, उसको मैं बोल देता हूँ 2 पिक्सल। टॉप टू बॉटम दूसरी प्रॉपर्टी देखती है, इसको मैं बोल देता हूँ 2 पिक्सल। तीसरी जो प्रॉपर्टी ये देखती है कि कितना उसको ब्लर करना है, कितना उसके कलर को ब्लर करना है, तो मैं इसको बोल देता हूँ 3 पिक्सल, 3 पिक्सल उसको ब्लर कर दो। और आखिरी में ये पूछता है कि कलर, कलर में इसको बोल देता हूँ ब्लैक, ब्लैक कलर का शेडो इसको ऊपर देना है। तो इसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर देता हूँ ताकि और अच्छा नजर आए। तो ये टेक्स्ट शेडो हम देखते हैं किस तरह से चल रहा है, ये देखें मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखें हेडिंग मेरी कितनी अच्छी बन गई है, इस पे एक शेडो आ रहा है जो कि ब्लैक कलर का है। अगर मैं इसको शेडो को बढ़ा दूंगा राइट से लेफ्ट से या टॉप बॉटम से, या इसका ब्लर इफेक्ट कम कर दूंगा, मैं अगर इसको ब्लर बोलूंगा 0, तो वो पूरा ब्लैक कलर का मुझे नजर आने लग जाएगा। ये देखें ऐसा लग रहा है मैंने एक और बार पीछे टेक्स्ट लिख दिया है। तो इसमें मैं जितना ब्लर करूंगा उतना मुझे अच्छा लगेगा, मैं बोलूंगा 5 पिक्सल ब्लर तो उतना ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं किसी डिफ को शेडो दूं, मेरे पास डिफ है, डिफ के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बना लिया, और डिफ को आगे मैंने बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर इसको हम दे देते हैं, ये कलर दे देते हैं अच्छा लग रहा था तो मैंने यूज कर लिया। और इसको बता भी देते हैं कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए 2 पिक्सल, स्टाइल इसका होना चाहिए सॉलिड। और अब हम इसमें लगाते हैं बॉक्स शेडो, एक था टेक्स्ट शेडो जो कि टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है, दूसरा है हमारे पास बॉक्स शेडो जो कि बॉक्स के ऊपर अप्लाई होता है, डिफ के ऊपर अप्लाई होता है, इमेज के ऊपर अप्लाई हो सकता है। मैं यहां पे लिखता हूं बॉक्स शेडो, अब पहले इसको मैं राइट टू लेफ्ट बता देता हूं कितना होना चाहिए, इसको मैं बोल देता हूं 3 पिक्सल, टॉप टू बॉटम 3 पिक्सल, अच्छा ब्लर कितना
मैं इसको बोल देता हूँ 3 पिक्सल, तीनों चीजें मैं 3 पिक्सल 3 पिक्सल लग दी, और कलर में इसको बोलता हूँ ग्रे। अच्छा बॉक्स का जो शेडो है इसका कलर जो है वो ग्रे अच्छा लगता है, या आपको जो भी अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। मैंने रिफ्रेश करा तो ये देखें यहाँ पे ये शेडो आ रहा है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी विद हाइट बढ़ा दूं, मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ, देखें 5 पिक्सल मैंने इसको करा तो ये आपको शेडो नजर आ रहा होगा। इसने क्या करा, डिप का एक शेडो बना दिया। तो इस तरह से आप बॉक्स शेडो यूज करके अलग अलग शेडोज बना सकते। देखिए इन्होंने यहाँ पे स्टाइल भी दिए हुए कि अगर आपको इस तरह ये वाला शेडो लगाना हो तो आप ये वाली सीएसएस कॉपी कर लें, अगर आपको सेकंड वाला लगाना हो तो ये वाली कर लें। तो इस तरह से सारे स्टाइल यहाँ पे दिए हुए, और ये सारे स्टाइल गूगल पे भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो कोई भी आपको लगाना हो तो आप यूज कर सकते हैं। अगर अच्छा इसको देख के अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉज बॉक्स शेडो, फिर नीचे लिखा हुआ है वेबकिट, तो ये सारे ब्राउजर्स का बताया जा रहा है कि मोजिला हो तो ये वाला शेडो आ जाए, और अगर क्रोम हो तो ये वाला आ जाए। तो ये सारे ब्राउजर्स के लिए, इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा इसी तरह से अब हमारे पास आ गया बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या करता है, राउंडेड कॉर्नर्स, बॉर्डर के जो कॉर्नर है वो राउंड कर देता है, उसको गोल कर देता है। तो ये भी हम यूज करके देख लेते हैं। अभी जो हमारा डिव है उसके बॉर्डर के जो कॉर्नर अगर आप देखें तो वो अभी गोल नहीं है बल्कि ट्राइंगल की तरह पूरा ये बना हुआ है, सॉरी रेक्टेंगल की तरह बना हुआ। तो इसको मैं अगर दूं बॉर्डर रेडियस, और इसमें मैं परसेंट में दे सकता हूं, इसको पिक्सल में भी दे सकता हूं। मैं इसको अगर बोल दूं 10 पिक्सल, तो आप इसके कॉर्नर्स पे गौर करिएगा कि थोड़े से राउंड हो जाएंगे। ये देखें अब डिफ के जो कॉर्नर है ये राउंड होगा। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, मैं बोलूं 50 पिक्सल, तो देखिए थोड़ा सा और ज्यादा राउंड हो जाएगा। अब मैं इसको और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, इसको मैं पूरा सर्कल भी बना सकता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी वर्क करती है बॉर्डर रेडियस। अच्छा इसी तरह से एलिप्टिकल शेप्स भी हम बना सकते हैं कि राइट साइड से हमें बॉर्डर गोल रखना हो, या थोड़ा सा टेढ़ा उसको करना हो, थोड़ा सा मतलब और स्टाइलिश उसको बनाना हो, तो हम बॉर्डर रेडियस को मतलब बॉर्डर रेडियस भी जिस तरह से हम मार्जिन में शॉर्ट हैंड कर रहे थे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरह से वैल्यूज दे रहे थे, इस तरह से बॉर्डर रेडियस में भी हम कर सकते हैं कि टॉप से बॉर्डर रेडियस कितना हो, राइट साइड से कितना हो, लेफ्ट साइड से कितना हो, हर जगह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे ये स्टाइल हमारे पास बन जाएगा। तो ये चैप्टर एंड हो गया, उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी समरी यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि किस तरह से हम HTML के बॉक्स को कंट्रोल करते हैं, उसको विड्थ और हाइट किस तरह से दे सकते हैं, बॉर्डर उसमें किस तरह से लगा सकते हैं, और मार्जिन और एंड पैडिंग उसमें किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक प्रॉपर्टी देखी डिस्प्ले की, जिसमें हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन कर सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक लेवल कर सकते हैं, और विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी हमने देखी जिसमें हम हिडन कर सकते हैं और विजिबल कर सकते हैं। अच्छा इसी तरह से हमने प्रॉपर्टी देखी कि बॉर्डर को रेडियस किस तरह कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड तरीका हमने देख लिया बॉर्डर लिखने का, इसी तरह से मार्जिन का शॉर्ट हैंड तरीका भी हमने देख लिया था, और राउंडेड किस तरह करते हैं बॉर्डर को, ये सब हमने इसमें देख लिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है 14 लिस्ट एंड टेबल्स, तो ये आपको बातचीत पढ़ाएंगे आप, ठीक है सर, कंटिन्यू करना है ना। अजान, तो पहले अजान दे लेते हैं, अजान का वक्त हो गया, उसके बाद बातचीत जो है आपको चैप्टर नंबर 14 कवर करवाएंगे। بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الله أكبر
अच्छा जी, मैं अभी कमेंट्स देख रहा था जिसमें आप लोग ये कह रहे हैं कि सर अभी के लिए क्लास इनफ है. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने क्लास को 3 आवर का रखा था और आज हमें हम डेली बेसिस पे एक टारगेट बेस चल रहा है. जब हमारे हफ्ते में एक दिन क्लास है सो वी हैव टू कॉप अप विद द स्टफ कि हम अगले 5 महीने में आपको एक कंप्लीट डेवलपर बनाते हैं. देखिए 3 घंटे में जब हम क्लास करेंगे सो दैट मींस आफ्टर 3 आवर जो हम कवर करेंगे आपको फुल वीक है सो दैट यू पीपल कैन डू द प्रैक्टिस. प्लीज कोऑपरेट करें और देखें हम पढ़ाने के आपके लिए बैठे हैं. इस क्लास के बाद एक फीडबैक आप लोगों से लेना है. अभी ले लूं या अच्छा चलें मुझे ये बताएं कि अगर हम आज क्लास को यहां पर रोकते हैं तो वेनेसडे फिर क्लास कर लें रमजान से पहले. बताएं, फीडबैक दें. तो फिर वेनेसडे को हम सीएसएस एटलीस्ट कंप्लीट कर लेंगे. 14 and 15 चैप्टर्स लेफ्ट ना. क्योंकि रमजान आ रहे तो फिर रमजान में तो नहीं कर पाएंगे. रमजान से पहले एक वेनेसडे हम क्लास कर सकते हैं. अगर आप लोग एग्री करें तो फिर हम वेनेसडे को क्लास रख लें और आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं. अच्छा एक काम करते हैं, जो चाहते हैं कि वेनेसडे को क्लास हो वो सिर्फ और सिर्फ कहें यस,
जो कहते हैं कि क्लास कंटिन्यू हो अभी आज के दिन, वो कहे नो, ताकि हम अब इसके अलावा कोई कमेंट नहीं चाहिए। यासिर अबीब, ग्रुप में रहना है तो एक दफा नो कह के चुप हो जाओ, मजाक कर रहा था यार, आजकल लोग दिल पे बहुत ले लेते हैं। अच्छा चले, ना आज हम डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं और ना हम वेनेसडे को क्लास रोकने के लिए जा रहे हैं, मतलब आज भी हम कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं और वेनेसडे, आज जो हमारा प्लान था कि चैप्टर नंबर 14 को हम कंप्लीट कर दें, तो आज हम चैप्टर नंबर 14 अभी हो रहे हैं 10:11, 10:30 पे हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास ऑफ 2 आवर विल बी ऑन वेनेसडे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 15 भी करवाएंगे और बूटस्ट्रैप करवा देंगे आपको, ताकि नेक्स्ट संडे से हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो जाएं। प्लान है कि जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की जाए, हो सकता है हम आपको लिनक्स करवा दें नेक्स्ट संडे को, लेट्स सी। तो बासित, हम 10:30 तक क्लास करने के लिए जा रहे हैं, आप 10:30 तक हमारे साथ बरकरार रहें, कहीं नहीं जाइएगा, और 10:30 बल्कि 10:28 तक हम क्लास करने के लिए जा रहे हैं। आखिरी के 2 मिनट एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बतानी है, तो 10:28 तक क्लास होगी, 2 मिनट मुझे एक आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है एंड देन वी विल वाइंड अप विद द क्लास। बासित, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तमाम खैरियत से हैं और सर की क्लास को काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि हम लिस्ट को किस तरह स्टाइल कर सकते हैं, टेबल को किस तरह स्टाइल कर सकते हैं और फॉर्म को किस तरह स्टाइल कर सकते हैं। हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम बुलेट पॉइंट्स को जो हम स्टाइल कर सकते हैं वो किस तरह कर सकते हैं, बॉर्डर्स किस तरह दे सकते हैं इस पे, एडिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड टू टेबल्स, टेबल्स को हम किस तरह बॉर्डर्स दे सकते हैं। इसी तरह हम ये देखेंगे कि हम जो है अपेयरेंस ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स, हम जो है फॉर्म को जिस तरह डिजाइन कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि काफी सारे फॉर्म्स जो है आपके, आपने HTML पे जो फॉर्म्स बनाए हैं, आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट और बाकी जो वेबसाइट्स पर जो असाइनमेंट, वेबसाइट पर जो फॉर्म्स होते हैं, जो इनपुट फील्ड्स होती हैं, वो जो है बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो वो किस तरह हम स्टाइल करेंगे हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिस्ट स्टाइल की जो टाइप है, हमारे पास ये कुछ टाइप्स होती हैं, जैसा कि हमारे पास आती है डिस्क में। सबसे पहले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, मैं आ जाता हूं कोड पर, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू, ठीक है, मैंने यहां पे एक जो बुक का कोड मैंने कॉपी किया है, जिसमें एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है, ठीक है।
ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट में एल आई बने हुए हैं कुछ, और इसको हम रेंडर भी कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, हमारे पास एल आई डिस्प्ले ब्लॉक हुआ हुआ है, डिस्प्ले ठीक। हम इसकी स्टाइलिंग भी जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एल आई है वो डिस्प्ले इनलाइन हुआ हुआ है, तो इस वजह से हमारे पास तमाम एल आई जो है उसमें एल आई जो है एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो हम उसको पहले स्टाइल चेंज कर देते हैं। एल आई के जो स्टाइलिंग है हम इसको अभी फिलहाल कमेंट करते हैं, कमेंट कर दिया, और कुछ है नहीं। ठीक है, पेज रिफ्रेश करते हैं, ये देखें यहां पर एक मेन हेडिंग है, ठीक है, मेन हेडिंग के बाद एक और हेडिंग है, उसके बाद एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है 1 2 3। ये जो है इसके जो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, हमने ये देखा है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास नंबर्स आ रहे होते हैं, ऑर्डर आ रहा होता है 1 2 3, जिस तरह यूज करते हैं हम, या तो एबीसीडी यूज कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में हमने ये देखा था कि 1 2 3 हमारे पास आ रहा है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें और चेंज करके डिस्क स्टाइल कर दें, या हम इसको जिस तरह अनऑर्डर्ड बनाते हैं, अनऑर्डर्ड में हमारे पास डिस्क स्टाइल बना हुआ आ रहा होता है, तो अगर हम इसका स्टाइल चेंज कर दें तो वो किस तरह करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूं और मैं इसको पेस्ट करूंगा अपने यूएल में। ठीक है, यूएल की मैंने एक यूएल बनाया है, सॉरी मेरे पास अभी इस वक्त तो ओएल है, यूएल नहीं है। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, तो मैंने जस्ट इसको कॉपी किया, पेस्ट किया यहां पर, और यहां पे मैंने इसको डिस्क दे दिया। ठीक है, डिस्क दे देते हैं, मेरे पास ये वर्क नहीं कर रहा है, तो दूसरी प्रॉपर्टी कर लेते हैं, सर्कल अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट थी जो एक नंबर से, एक प्रॉपर नंबर से चलती है, देखा जाए तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट अप्लाई की है, ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने बनाई है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब 1 2 3 होता है, लेकिन अगर मैं चाहूँ सीएसएस से चाहूँ तो मैं उसका ऑर्डर चेंज करके उसको मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह इसकी मदद से अगर आप लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज कर देते हैं तो इससे आपका टाइप चेंज हो जाता है, 1 2 3 की जगह आपके पास यहाँ पे सर्कल बना हुआ आ रहा है। इसी तरह अगर मैं चाहूं कि यहां पर इसको स्क्वायर कर दूं तो मैं इसको स्क्वायर भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, ये देखें मेरे पास यहां पे इसकी जगह हम स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, और इसकी जगह अच्छा, अब हमें कुछ देर पहले हमने ये पढ़ा था कि हम एल आई को जब डिस्प्ले इनलाइन कर रहे होते हैं तो ये सारे एक ही लाइन में आ जाते हैं, और हमारे पास इसके जो बुलेट्स स्टाइल होते हैं ये हमारे पास हाइड हो जाते हैं। अगर हम चाहे कि इसको हम वैसे भी हाइड करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे, अगर मैं इसको डिस्प्ले स्टाइल नन कर देता हूं, लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूं, तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास इसके जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग है वो खत्म हो गई है। अब मैं इसको अपने नेविगेशन में चाहूं या कहीं भी चाहूं मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि लिस्ट स्टाइल टाइप हमारे पास ये होते हैं और हम इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमने अनऑर्डर्ड को ऑर्डर्ड में तब्दील कर दिया, सॉरी अभी हमने किया है ऑर्डर्ड लिस्ट को अनऑर्डर्ड में, यानी ओएल को हमने इसकी टाइप चेंज की और हमने इसको जस्ट लाइक यूएल बना दिया है, अनऑर्डर्ड बना दिया है जिसमें कोई नंबर्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर हम अनऑर्डर्ड को, यानी कोई यूएल है उसको हम एक ऑर्डर देना चाह रहे हैं, तो वो भी एससीएसएस के जरिए दे सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह देंगे, मैं सबसे पहले अपनी टाइप चेंज कर दूं, ये इसको मैं कर देता हूं यूएल, और मैं आ जाता हूं अपने सी एस एस में। ठीक है, अब मैंने यहां पर ये एक यूएल बनाई हुई है। ठीक है,
यूएल में लिस्ट स्टाइल अगर मैं डेसिमल देता हूं तो आप देखेंगे कि इसमें नंबरिंग आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको डेसिमल देता हूं, ठीक है, डेसिमल दिया मैंने और मैं हम पेज पे रेंडर करते हैं, ये देखते हैं। देखें यूएल को मैंने यहां पे नंबर दे दिया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी हम सीएसएस की मदद से ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां पे 1 2 3 दे दिया, इसी तरह मैं इसको एबीसीडी भी दे सकता हूं, ठीक है। वो किस तरह देंगे, यहां पर लोअर अल्फा है यानी मैं लोअर एबीसीडी यानी लोअर केस यूज कर रहा हूं, स्मॉल लेटर्स यूज करना चाह रहा हूं, इसी तरह मैं यहां पर कैपिटल लेटर्स भी यूज कर सकता हूं। इसका सेंटेंस किस तरह यूज होगा, लोअर अल्फा यूज कर सकते हैं आप, इसी तरह आप अपर अल्फा यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसमें से एक अप्लाई करके दिखा देता हूं, बाकी फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि मैंने यहां पे लोअर अल्फा सेव कर दिया और पेज पे रेंडर करते हैं इसको, देखते हैं क्या अपीयरेंस है इसकी। ये देखें ए बी सी लोअर केस में है, इसी तरह हम चाहें तो इसको अपर केस में भी कर सकते हैं। तो ये हम लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल टाइप है, ये हम इसको चेंज कर सकते हैं सीएसएस की मदद से। अब हम देखते हैं कि अगर हम लिस्ट स्टाइल की जगह इमेज यूज करना चाहें, जो अभी हमारे पास सर्कल है, स्क्वायर है, राउंडेड है और इसी तरह का डिस्क आ रही होती है, अगर हम इसको चाहें कि यहां पे कोई इमेज आ जाए स्टार की या कोई भी इस तरह की, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास इस वक्त यूज नहीं होता, ये हमारे पास पहले यूज होता था, अब तो बिल्कुल भी ये यूज नहीं होता। हम इसको एक जल्दी से इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल मैं इसको इमेज कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर यूआरएल देने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जिस तरह हम बाकी तमाम प्रोसेस में दे रहे हैं, कोई भी लेकिन अच्छा आपको एक चीज ये देखनी होगी कि जिस तरह हमने ये देखा था कि हम कोई भी इमेज यूज कर रहे होते हैं, अभी हमने लेट सपोज किसमें देखा था जो इमेज यूज की थी हमने, जिसका साइज का, हाँ बॉर्डर में हमने देखा था कि हमें बिल्कुल बॉर्डर के साइज की इमेज यूज करनी होती है। यहां पे भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, सेम हमारे पास यही प्रोसेस है कि बॉर्डर के साइज की इमेज यूज करनी होगी। अगर बॉर्डर से ज्यादा बड़ी होगी तो वो इमेज तो इंप्लीमेंट हो जाएगी लेकिन आपके अपीयरेंस वो नहीं आएगी जो आप चाह रहे होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये स्टार यूज किया है, ये स्टार यूज करना चाह रहा हूं, तो मैं आ जाता हूं, मैंने इसका इमेज एड्रेस कॉपी किया और मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। मैंने इसको पेस्ट किया, अभी यहां पर मेरे पास इसकी इमेज का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैं फिर भी इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। ये देखें मेरे पास बहुत जो है बहुत बड़ा साइज है इमेज का, तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास बिल्कुल स्टार की सिर्फ एज आ रही है, बिल्कुल एज आ रही है। अगर मैं इसको यूं करूं नहीं आ रहा वो बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास स्टार की जो इमेज है, इमेज जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो बताने का मकसद यही है कि आप जो है इसकी जगह इमेज यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप इमेज यूज करें इसकी जगह पर, तो आप बिल्कुल बुलेट के जो बुलेट स्टाइल का जो साइज है उसी साइज की इमेज यूज करिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा हमारे पास लिस्ट स्टाइल, जो हमारे पास जो स्टाइल आता है, जो स्क्वायर आता है, डिस्क आता है, सर्कल आता है, जो भी है, अगर हम इसको चाहें कि इनसाइड यूज करें या आउटसाइड, ये क्या होता है हमारे पास, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये मेरे पास एलआईज के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि ये एक एक एलआई है और यहां पे इसके आउटसाइड पर इसका लिस्ट स्टाइल है।
ठीक है, अगर मैं चाहूं कि जो स्टाइल है ये स्टाइल चेंज हो जाए, स्टाइल जो है आपका इनसाइड आ जाए, यानी आपका एलआई की विड्थ के अंदर आ जाए। अभी इस वक्त ये जो मौजूद है आपकी एलआई की जो विड्थ है वो यहां से स्टार्ट होती है और आपका ये जो स्टाइल है ये आपकी एलआई की विड्थ से बाहर होता है। ठीक है, अगर आप चाहें कि एलआई की विड्थ के अंदर यूज करें तो इसका बहुत ही इजी तरीका है, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है कि आप लिस्ट स्टाइल पोजिशन यूज करेंगे, लिस्ट स्टाइल पोजिशन इनसाइड। ठीक है, ये देखें मेरे पास जो लिस्ट स्टाइल था वो अब मेरे पास एलआई की विड्थ के अंदर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम चाहें कि एलआई के स्टाइल को अगर हम विड्थ के अंदर यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आउटसाइड यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट इसका आउटसाइड ही होता है, हम वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखें जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो था ये बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, तो हम जो है इसकी पोजिशन भी चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि जिस तरह हमने देखा था कि बॉर्डर में शॉर्ट हैंड है और इसी तरह के कुछ हमारे पास शॉर्ट हैंड होते हैं, हमारे पास लिस्ट में भी शॉर्ट हैंड है। ठीक है, वो किस तरह होगा हमारे पास, जिस तरह हम, अच्छा एक चीज आप कॉमन देखेंगे कि लिस्ट स्टाइल पोजिशन, लिस्ट स्टाइल इमेज, हमारे पास लिस्ट स्टाइल कॉमन है। ठीक है, उसके आगे इमेज चेंज हो गया, उसके आगे पोजिशन चेंज हो गई। ठीक है, तो हमें करना सिर्फ यही है कि हम जस्ट लिस्ट स्टाइल लिखेंगे और फिर उसके बाद हम जो है अपनी जो है अपनी शॉर्ट हैंड जो है, यानी इन दोनों प्रॉपर्टीज को, इमेज की प्रॉपर्टीज को या इसके अलावा आप जो है इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, टाइप चेंज कर सकते हैं, ये तमाम चीज लिस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी में आगे दे सकते हैं एक ही लाइन में। ठीक है, तो लिस्ट स्टाइल आप लिखेंगे उसके बाद जो है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर शॉर्ट हैंड इसका अप्लाई करता हूं, लिस्ट स्टाइल, सॉरी लिस्ट स्टाइल। अब यहां पे मैं चाहूं कि आउटसाइड देना चाहूं, इनसाइड दे देता हूं इनसाइड, और इसके बाद मैं दे देता हूं यहां पर सर्कल या स्क्वायर दे देता हूं। ठीक है, आप लोग ये देखेंगे कि अगर मैं यहां पे स्क्वायर अगर पीछे लिखूं या इनसाइड बाहर लिखूं, इनसाइड बाद में लिखूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आप जो है आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, बस आपको जो है जो वर्ड आपके जो प्रॉपर्टीज में दिए हुए हैं वो करेक्ट होने चाहिए। मैं इसको ये देख सकते हैं यहां पे स्क्वायर भी हो गया और इनसाइड भी हो गया है। ठीक है, तो लिस्ट स्टाइल का हम हमारे पास शॉर्ट हैंड ये होता है कि हम इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम किसी भी टेबल को किस तरह यूज कर सकते हैं। वाइंड अप करें, तो हम जो है फिर आगे नेक्स्ट हमारे सर की कुछ अनाउंसमेंट है वो भी देख लेते हैं और फिर जो है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सर। ओके, इट्स 10:28 और हम जो है कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल सर। और जो हम नहीं कहते वो नहीं करते, वो भी कर देते हैं। अच्छा जी, तो टेबल का है इंशाल्लाह बासित नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। फॉर्म का है, देखिए आपके ऊपर लागू ये होता है, छोटा सा चैप्टर है कि आप लोग इन चीजों की खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 15 है लेआउट का, वो इम्पोर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 15 पे हम वाइंड अप कर देंगे। पोजीशंस वगैरह ये इम्पोर्टेंट है, तो ये नेक्स्ट क्लास में गौस आप करवाएंगे चैप्टर नंबर 15। ठीक हो गया, और फिर बूट से अब हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है क्लास, सो वेनेसडे वी आर हैविंग द क्लास एट प्रोबेबली 8 PM, जिस तरह से आप लोगों को पता है, सिर्फ एक वेनेसडे और बर्दाश्त कर लें हमें, सिर्फ एक वेनेसडे लाजमी आइएगा, बिकॉज वी आर बूटस्ट्रैप, नहीं सीखा तो सीएसएस सीखना शायद आपके लिए इतना मीनिंगफुल नहीं रहेगा। आप लोग लाजमी 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 वेनेसडे को 8 PM पे आ जाइएगा लाइव, ताकि आप लोग इस चीज को सीख सके,
ना सिर्फ सीख सके बल्कि अब आप लोग इसके ऊपर इंशाल्लाह, अब तो वेनेसडे के बाद की क्लास होगी कि आप लोग इंशाल्लाह काम फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो वेनेसडे की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दो, एक तो जो मैंने शुरू में किया था कि जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं करवाया वो नेक्स्ट कल के दिन रात के 11:49 59 मिनट यानी 59 मिनट तक जमा करवा सकते हैं और आप लोग करवा दें। बाकी इंशाल्लाह वेनेसडे आप लोगों से मुलाकात होती है। आप लोगों की जो फर्स्ट असाइनमेंट के मार्क्स हैं और जो सेकेंड असाइनमेंट के मार्क्स है वो इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे तक अपलोड हो जाएंगे। प्लीज मेक श्योर कि जो आपके टोटल ओवरऑल मार्क्स है आपके 40 मार्क्स जो है जिस टाइम पहले अनाउंसमेंट की थी, आप लोगों की टोटल थ्रू आउट आप लोग जो असाइनमेंट्स करने जा रहे हैं उसका एक एवरेज होगा और जो 60% असाइनमेंट होगा वो एट द सेंटर ऑफ द कोर्स 30 मार्क्स आपके एप्लीकेशन के होंगे जो आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे। पॉसिबली जैसे हम रिएक्ट जेएस को कंप्लीट करेंगे तो आप एक वेब एप्लीकेशन, एक वर्सेटाइल वेब एप्लीकेशन बना के देंगे। उसके बाद हम रिएक्ट नेटिव वगैरह और नोड जेएस को करेंगे तो एक मोबाइल एप्लीकेशन आप विथ सर्वर इंटीग्रेशन आप बना के देंगे, 30 मार्क्स उनके होंगे। तो इन ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके जहन में पहले से होनी चाहिए, यानी असाइनमेंट्स आपके मेजॉरिटी मार्क्स रख रहे हैं दैट इज द 40 मार्क्स। कोर्स का जो पासिंग मार्क्स है वो 100 में से 70 है, यानी आपके 40 में से मिनिमम 30 मार्क्स असाइनमेंट के होने चाहिए। यानी आपके जो रिएक्ट जेएस की वेब एप्लीकेशन है उसके मार्क्स आपके 30 में से जो है मैक्सिमम 23-22 होने चाहिए। और इसी तरह आपके एंड FIP जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन होगा जो कि आपके 30 में से 22-23 मार्क्स होने चाहिए। इन टोटल आपके 70 मार्क्स होना बहुत जरूरी है, इन टोटल आपके 70 मार्क्स होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप लोग शायद सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप लोगों के पहले दिन देखिए ये बताया गया था पहले ही कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी, जब चीजें इजी नहीं होगी तभी आप सीखोगे। तो ये क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। हर चीज हम प्रॉपर जो है रिकॉर्ड बनाते हुए चलेंगे जो कि आपके साथ वक्तन शेयर भी करेंगे। सो दिस वॉज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। दिन में 1 घंटा अभी इनिशियली कर दें फिक्स, कुछ नहीं करना, ये करना है इंशाल्लाह। यू पीपल विल बी सक्सेसफुल। अपना, अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद